पढ़ लियो पूरा? सुबह पढ़ लिया मैं। अच्छा ठीक है। संजय उंजय किस बोर्ड में? संजय तुम किस बोर्ड में हो? क्या अगर नहीं आए क्या? तने? हाँ सर। संजय उंजय किस बोर्ड में है? वो मेरे साथ ही है जैसे। क्यों नहीं आया वो? पता नहीं सर, सर कॉल करता है। तनिष किस बोर्ड में? तनिष तू किस बोर्ड में है? सर अच्छा चलो भाई ठीक है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि एचएससी में रखा गया कि हटा चुके हैं सिलेबस में। ट्वेल्थ में एसएससी इसमें सीबीएसई में तो नहीं होता है सर। एचएससी में भी नहीं है। हटा दिया तुम्हारे में से भी? हाँ। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। ठीक है एसओटी ना? हाँ बेटा। हाँ ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। ठीक है, पहली चीज हम जो बेसिक जो करेंगे इसका, और जो मैंने डिफेंस बोर्ड नहीं देखा। अच्छा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होमवर्क दिया था हो गया है कि बच्चा कर रहे हो अभी तक? हो गया सर। बच्चा है सर। बच्चा है, कर लो उसको बाकी। हाँ ठीक है। देखो कैसा होता है, पहले तो अपन ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स, पहले भी समझाया था तो कोऑर्डिनेट्स कैसे और क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट दो तरीके से डिसाइड होते हैं। एक आपका होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मालूम सबको होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्स कमा वाई पॉइंट होता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं है। और एक होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, उसी पॉइंट के बारे में आप सेम पॉइंट को आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, जहां पे आपका आर जो होता है वो ये डिस्टेंस होता है, ये ओपी जो डिस्टेंस होता है इसी को आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? आर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप होगी। अगर यही वाला पॉइंट तुम्हारा एक्स कॉमा वाई है और यही वाला पॉइंट तुम्हारा आर कॉमा थीटा है और ये पॉइंट पी है, ओके बेटा, तो आपका आर इज डिफाइंड एज व्हाट? ओपी, जो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बात चमकती है? यस। इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट किया जाता है जेड से, जो लिखा जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसकी फील आती है? किसी पॉइंट पी को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई नई कहानी नहीं है, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे, आर कॉस थीटा इज एक्स, ओके, एंड R sin थीटा इज y। ये ज्योमेट्री समझ में आती है बेसिक, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसी पॉइंट P को कैसे कैसे लिख सकते हैं, x कमा वाई, या क्या लिख सकते हैं? R cos थीटा, x प्लस आयोटा वाई, राइट। इसी पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, R कमा थीटा। इसी पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा कमा R sin थीटा। अरे यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? नहीं। ठीक है, तो अभी आपका, तो इसी x प्लस आयोटा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, R cos थीटा प्लस आयोटा R sin थीटा। कोई समस्या यहाँ तक? ये R आ गया, यहाँ पर क्या लिखा है, cos थीटा प्लस I sin थीटा। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नो सर। नहीं सर।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। ओह भाई साहब क्लियर है क्या? यस हाँ सर। यहां तक क्लियर है? अब ये थीटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। थीटा इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक, बिट में थोड़ा सा है थीटा। नाउ थीटा इज टू बी टेकन फ्रॉम 0 to 2π व्हेन यू आर डीलिंग इन पोलर फॉर्म। ये समझ में आता है? यस। और थीटा का मेजरमेंट कैसे होगा बताओ? ये जो भी ओपी वेक्टर होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगा वो थीटा होगा। वो थीटा होगा। यहां तक कोई समस्या है क्या किसी को? नहीं सर। यस सर। यहां तक क्लियर है क्या? हां सर। क्वेश्चन ध्यान देने बात यह है, ये आर जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। आर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहां तक किसी को समस्या है क्या बताओ मुझे? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? क्लियर सभी को यहां तक? यस। कॉपी कर जाओ अच्छे से तमीज से इसको। अरे यार ये जूम क्यों हो गया, कैसे हटेगा जूम से? डी वाले में एक एक्सरसाइज काफी टफ है, ठीक है तो वो हाँ फाइन ठीक है। और मैं अभी एक काम करूंगा, मैं टारगेट 22 वेस्ट और हार्बर दोनों लिंक भेजूंगा मैं, तो सब लोग वेस्ट वाले इस पे ज्वाइन कर जाना, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे मैं चाहता हूँ डिस्कशन कर ले अपन व्हाट्सएप पे। शायद नैरिक ने क्वेश्चन पूछा था और उसमें मिली मिस्टेरियस टफ नहीं है, जो नैतिक ने शायद पूछा ना उसमें टफ है। उसमें कैसा है ना, एग्जैक्ट फॉर्म में जो मैंने सिखाया नहीं था ऑब्जर्वेशन वाला वो बहुत यूज होगा, ठीक है। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा कह रहा है, नैतिक को पता होगा क्या पूछा था उसने, ठीक है। एनीवे यहां तक क्लियर है क्या? यस यस। रब करें सर, जे मेन के लिए थीटा माइनस पाई से पाई में होता है ना? We will see that. मैंने पोलर फॉर्म बताया नैतिक की आवाज थी शायद। हाँ मैंने पोलर फॉर्म बताया, पोलर फॉर्म में जो बताया है मैंने सही बताया, ठीक है। We will come to see. सर ये 2π पर ओपन है ना? क्या बेटा? हाँ obviously 2π ओपन होगा ना, 1-1 फंक्शन बनाना है ना। ये माइनस पाई से पाई की बात मैंने पहले बता रखी है तुमको, तो कॉम्प्लेक्स वाले में आर्गुमेंट में ना। हाँ सर। हाँ तो उसको छोड़ ना, तुम कॉम्प्लेक्स में को कंफ्यूज होने लगा है, रुक जाओ अभी। मैंने पोलर फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो मैं एक काम करूंगा, ऐसे 1,1 है, इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। किसमें चेंज करना है? पोलर फॉर्म। ऑब्वियसली एक तरीका जो रहेगा तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा, ज्वाइन कर दो। ये एंगल साफ साफ आपको आंखों के सामने दिख रहा है, कितना एंगल है ये? 45 डिग्री है ना। और आपका आर कितना है? √2। तो पॉइंट क्या हो गया? √2π/4। समस्या नहीं है, है ना। मेथड 2 जो होता है करने का, जो जनरल क्वेश्चन से फायदा करता है आपको, आप मान लो r, θ, ठीक है। तो आपका आर कॉस थीटा कितना होगा? आपका आर साइन थीटा कितना होगा? स्क्वायर कर दे, आर स्क्वायर कितना आ गया? 2। आर कितना आ गया? √2। ठीक है। आपका
इन दोनों को डिवाइड कर दिया करो हमेशा, डिवाइड करोगे टैन थीटा कितना आ गया वन। अब टैन थीटा वन है, ठीक है, तो टैन थीटा वन है ना, इसका मतलब हाँ, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, टेन पाई बाई फोर लिखा हुआ है ना। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एन पाई प्लस पाई बाई फोर, राइट। अपने को क्या मालूम है यहां से बताओ, साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, दैट इंप्लाइज थीटा क्या होगा, और ये बात चमकती है क्या मेथड टू। yes, अगर yes. मान लो ये वन कॉमा माइनस वन होता, मेथड वन से बहुत सिंपल होगा अगर अच्छे नंबर्स होंगे, गंदे नंबर्स से मेथड वन फंसाएगा, कैसे होगा बताओ, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट टू। नाउ व्हाट, टेन थीटा इज माइनस वन, व्हाट इज आर कॉस थीटा बॉस, वन, व्हाट इज आर साइन थीटा बॉस, माइनस वन। तो व्हाट डिड वी नो, व्हाट डू वी नो फ्रॉम हियर, क्वाड्रेंट क्या आ गया, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चमकता है, दैट इंप्लाइज एंगल क्या होगा थीटा का बताओ, 7 पाई बाय, अरे ये बात चमकती है क्या। yes, sir. जैसे इनवर्स में हम लोग एंगल को फंसाते थे ना, वैसे ही हमको एंगल को फंसाना पड़ेगा, ये बात चमकती है। yes, sir. ठीक है, दिस इज अ बेसिक कन्वर्जन, यहां तक क्लियर है क्या। yes, sir. कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए, और 9 तारीख को केवी पे होना डिफिकल्ट काम है 9 जनवरी को, बिकॉज उसी दिन एक और एग्जाम है इंटरनल, ये इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड का, सर उसका शायद से डेट चेंज कर दिया, इसका केवी पे है कि आईओएम का, आईओएम का शायद, अच्छा वो चेंज, एवाईडी सर बोल रहे थे। फिर नेक्स्ट संडे उन्होंने कर दिया होगा, नहीं डेट कहाँ चेंज हुआ है, 9 जनवरी दिखा रहा है, क्योंकि इनके में चेंज करने प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्टली इनका एक पूरा सिस्टम होता है ना यार, वो प्रॉब्लम है इनके यहाँ, अब आई डोंट नो क्या होगा, देखा जाएगा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, आगे बढ़े यहाँ से, सर एक मिनट, आगे बढ़ जाएं, सर लिखना बाकी है, जल्दी करिए बेटा, ओके सर। ठीक है, so now we come to triangles, triangles की दुनिया में आते हैं, अपने को जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा था, ठीक है, उसका मतलब नहीं बनता है, फर्स्ट रूल
which I will emphasize is sine rule. Sine rule क्या होता है? A by, अच्छा आपको इतना तो बेसिक मालूम है ना कि एक ट्राइंगल में ये ए बी सी होता है, तो यहाँ पर ए मतलब, यहाँ पर बी मतलब, यहाँ पर मालूम है ना, ये तो ए बाई साइन ए इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू टू आर होता है। ये कौन सा रूल है? साइन रूल। बहुत सिंपल सा प्रूफ, फटाफट करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक वाले प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये कोई भी ट्रायंगल, और ट्रायंगल का क्या बनाया मैंने, सर्कम सर्कल। हर ट्रायंगल का दुनिया में क्या एग्जिस्ट करता है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सारे वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस। सर्कम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो क्या होगा बताओ? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? a by 2। ये लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो? a by 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ पर एंगल a है तो हमको बचपन की पढ़ाई से क्या मालूम है? सेंटर पे 2a एंगल। नीचे वाले दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कंग्रुएंट है ना आपस में। इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल कितना है a, और ये एंगल कितना है a। यहाँ तक कोई समस्या? ये क्या है? r। ओके, तो मैं बताओ साइन ए कितना आया? साइन मालूम है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ गया साइन ए बताइए? साइन ए इज ए बाई टू आर। मतलब क्या आ गया रूल अपना? ए बाई टू आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नहीं सर। ठीक है, देखो जहां तक इस फॉर्मूले के बॉक्स का सवाल है, ये आप यूज करोगे। जो मैंने यहाँ पे बेसिक थोड़ी बहुत ज्योमेट्री बताई है, वो अच्छी ज्योमेट्री, ज्यादा टफ नहीं थी, सबको मालूम होता है, बट पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में यूज आता है ये चीज, घुमाने उमाने में बहुत ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है ये एंगल्स का सिस्टम? यस सर। साइन रूल क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? कॉपी करिए। बिना इस सर्कल के भी साइन रूल प्रूफ किया जा सकता है, ट्रायंगल में एक्सटेंड एक्सटेंड करके। मैं नहीं कर रहा हूँ उसको, जो अपन टेंथ में जो मतलब बिल्कुल, जिसको बिल्कुल नहीं, सर्कम सर्कल का आइडिया नहीं होगा, वो भी प्रूफ कर सकता है। ट्रायंगल बना के हाइपोटेन्यूज वहां से परपेंडिकुलर गिरा के उस परपेंडिकुलर की लेंथ दोनों ट्रायंगल से इक्वेट कर सकते हो, मतलब ये वाला प्रूफ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ, ये सी है और ये क्या है? बी है। ये एंगल कितना है? बी। और ये एंगल कितना है? तो AD, AD लेंथ कितना होगा बताओ? C साइन B इज इक्वल टू AD है ना, और इज इक्वल टू बताओ? B साइन C। अरे नहीं मालूम क्या ये चीज, बेसिक ज्योमेट्री टेंथ वाली? अरे भाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है ना भाई, नहीं मालूम है क्या ये? अरे तो पीयूष सिंह तुम बोलते हो क्लास में, बाकी तुम्हारा माइक खराब है यार, बाकी लोगों को नहीं आ रहा क्या भाई ये? अरे मालूम है कि नहीं मालूम है ये? मालूम है। हाँ, तो ये भी आ गया ना साइन रूल। अब मेरी समस्या है कि यहाँ पे इक्वल टू टू आर कैसे लाएंगे? मैं यहाँ से ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन बी साइन सी कर देगा, बट मेरा क्वेश्चन ये है इक्वल टू टू आर कैसे आएगा यहाँ पे? ठीक है, बात सुनो, साइन रूल में इक्वल टू टू आर बाद में प्रूफ किया जाता है, पहले यही रहता है प्रूफ, ठीक है। ये टू आर लाने के लिए, ये जब टू आर लाना है तो ऑब्वियस ही बात है, सर्कम सर्कल इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना सिस्टम में, ये बात चमकती है। साइन रूल का स्टेटमेंट है ना, वो यहीं तक रहता है, ठीक है। दिस इज द साइन रूल, द साइड्स आर साइड्स एंड रेशियो ऑफ साइड्स टू द साइन्स इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल, है ना, समझे क्या? एनीवेज ये जो प्रूफ किया है मैंने, ये काम का होता है, कई बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे आईआईटी में जहां पे सेम ऑल्टीट्यूड को दो साइड से इक्वल करके काम होता है, तो घबराने की बात नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? हां सर। भाई आगे बढ़े, फटाफट बोलिए ना, क्या कर रहे हैं, टाइम पास, क्लियर है, आगे बढ़े।
हाँ सर धड़ा 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 धड़ कॉपी करो, कॉपी कर लिए है भाई? भाई कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है, सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, मैं तुमसे एक क्वेश्चन है, बचपन में तुमने पढ़ा था एस ए एस कंग्रुएंसी? हाँ सर। कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज ना, कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है बेटा? मिरर इमेज होता है ना, आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप। हाँ सर। हाँ हो गया भाई, तो मतलब मतलब एक साइड और एंगल ये फिक्स होते ही तीसरा साइड फिक्स हो जाता, यही है ना एसएएस का मतलब? तभी तो, अरे बेसिक बेसिक कंग्रुएंसी यही होती है ना एसएसएस, बाकी सब तो डेरिवेटिव्स है ना। व्हाट इज द बेसिक कंग्रुएंसी? एसएसएस, बाकी ऑल आर डेरिवेटिव्स। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। नाउ सी कोसाइन रूल, सो इफ अ ट्रायंगल इज देयर, एक्चुअली आई वांटेड कि पी क्यू आर से करूं, बट मैं खुद ऐसी हैबिट है ना जो छूटती नहीं है हैबिट, मैं नहीं कर पा रहा हूं उससे। ए सी बी, कोसाइन रूल क्या देता है तुमको? साइड्स देता है। क्या देता है? साइड्स। साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी क्या होगा? कॉस ए। बी स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस ए। सी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a square plus b square minus 2ab cos c। ये फॉर्मूला याद होना समस्या तो नहीं है, बट याद होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। क्लियर है। हाँ ठीक है। हाँ, प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? परपेंडिकुलर गिराएंगे ना? हाँ बताओ कैसे करते हैं, दो मिनट ट्राई करो, बताओगे मुझे कैसे करते हैं? अगर ये ट्राइंगल ही है, सब लोग चाहिए, सब लोग को प्रूव करना चाहिए मेरे ख्याल से, सब लोग करके देखिए आना चाहिए। ये ए बी सी है और मेरे ख्याल से ये सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर गिरा देते हैं जितना मुझे ध्यान आता है, राइट है ना? और जो नीचे वाली साइड है उसको ये क्या लिखा है? बी डी सी है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? बी डी को एक्स लिखेंगे। बी डी प्लस डी सी ही तो तुम्हारा क्या है? बी सी है ना, बी डी यही तो बी सी है ना। बी सी क्या हो गया? ए हो गया ना, हमारा ए स्क्वायर क्या होगा बोलो? बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू बी डी डी सी है ना। अब बताओ क्या होगा? बी डी स्क्वायर कितना होगा बोलो तो? ये C है ना और ये B है। C cos B। C cos B। और DC square क्या होगा? B cos C। अरे कोई समस्या है क्या यहाँ तक? और यहाँ क्या होता है? टू BC। C cos B B cos C। BC आ गया और cos B cos cos B cos C cos C। हाँ अब क्या होगा? इसको सी स्क्वायर कुछ कर सकते हैं क्या? इसको सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ बोलो, माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, हाँ माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी दोनों इक्वल है प्लस टू बी सी कॉस बी कॉस सी। ठीक है अब बताओ।
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ बोलो, सी साइन बी और बी साइन सी तो बराबर होगा ना। हाँ सर। तो क्या लिख देंगे टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लिख के बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है, हमें क्या मालूम जो बनना होगा बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। ये क्या आ गया टू बी सी कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी। हाँ फिर टू सी कॉमन ले ले। अच्छा ले लो भाई टू सी कॉमन ले लिए, क्या बचा है यहाँ पे साइन स्क्वायर बी बच गया ना फिर तो। सी साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस बी कॉस बी कॉस सी कुछ और ही बन गया, क्या करें इसके आगे। तो उधर वो टू कॉस बी कॉस सी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा शुरू में ही। कहाँ बताओ किस स्टेप पे। कोई करो तो अपने से भी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। मुझे तो लगता है कन्वर्ट भी नहीं करना चाहिए, एक को रखना चाहिए था वैसे ही। बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा बी सी आ गया ना, तो बी सी और टू कॉस बी कॉस सी क्या होता है बताओ। बी प्लस सी माइनस प्लस ना प्लस कॉस बी माइनस सी बन गया यहाँ पर तो। अरे हाँ तो अब इससे क्या हो रहा है देखो, इससे सी स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया और ये बी सी था ना बी सी कॉस बी प्लस सी, तो बी कॉस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं, तो बी माइनस बी सी कॉस ए आ गया है ना। लेकिन अभी भी तो बहुत सारे टर्म्स बचे रह गए ना, ये सब टर्म्स तो बचे ही रह गए तुम्हारे, सो कैसे हैंडल करें सर। प्लस बी सी कॉस प्लस प्लस बी सी कॉस आएगा ना, नहीं ना पाई बी प्लस सी को पाई माइनस से डाले ना, बी प्लस सी को तुमने पाई माइनस से डाला ना यार। हाँ सर। फिर बोलो भाई बोलो। क्या हम ट्रिग्नोमेट्री हैंडल नहीं कर सकते इतनी छोटी छोटे जी ट्रिग्नोमेट्री। तेरी आवाज ही नहीं आती, आवाज बहुत गंदी आ रही, क्या बोल रहा है। cos of b - c को खोल देंगे, cos of b - c को भी खोल दें, cos b cos c sin b sin c तो bc sin b sin c बन जाएगा। क्या बोल रहा है तू, फिर तो वापस से cos b cos c बन जाएगा ना भाई। यस फिर सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं वापस बोलो इसको 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 हटा दे पूरा। हाँ सर ठीक चलो हटा दिए जी। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बोलो चलो और नेक्स्ट पे बोलो क्या बोल रहे हो। एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर करेंगे। एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी कॉस बी का होल स्क्वायर। हाँ फिर प्लस बीसी को हमारे ए माइनस बीडी कर देंगे और जो मेरा बीडी आएगा वो सी साइन आएगा। ए माइनस क्या आएगा, ए माइनस सॉरी ए माइनस बोलो ए माइनस सी साइन ए नहीं ना साइन यहाँ पे गलती लिखा मैंने। बी स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं
ये बी स्क्वायर मुझे एडी चाहिए ना, एडी हाइट क्या होगी, सी साइन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी राइट, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हाँ। और यहाँ से देखते हैं तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस टू ए सी कॉस बी, और अब यहाँ पर ये और ये बन गया क्या बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी, हो गया प्रूफ। बट तो क्या इसका मतलब पिछला तरीके से प्रूफ नहीं होगा, ट्राई करना पिछला तरीके से घर में बैठ के, तुमको लगता है कि नहीं होगा क्या? मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैथ्स तो मैथ्स है, बीडी को थोड़ा घुमाना पड़ेगा उसको हर एक को, बीसी को हाँ बीसी को मैं बीडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, मेरी समस्या क्या है कि बीडी और डीसी का प्रोडक्ट वाला टर्म फंसा रहा है, एक बार करिएगा घुमा कर देखिएगा क्या बनता है, ये बात चमकती है क्या? एनीवे कोसाइन फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या? हाँ सर भाई कॉपी करिए फिर, कॉपी कर लिए साइन रूल, सॉरी कॉपी कर लिए को साइन रूल, एक मिनट कॉपी कर लिए भाई, तुम कहां पे हो, तुम्हारे माइक ही बहुत खराब है यार, आगे बढ़े सब लोग ठीक है? हाँ सर चलो दे दो सॉल्व करिए तो इसको भी समस्या है पूछ लो।
कितना है पहले का आंसर? पाई बाय टू. कैसे किया? बिल्कुल सिंपल ना, a by sin a is equals to b by sin b. तो a का वैल्यू कितना है? 3 by sin a is equals to 2 by 3. तो sin a का वैल्यू 1. अब ट्रायंगल में sin a का वैल्यू 1 है, ध्यान देना sin a का 1 से 90 नहीं होता है, ट्रायंगल में sin a का वैल्यू 90 है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो सकता है? 5/2. ये बात चमकती है कि ट्रायंगल की बात हो रही है इसलिए हो रही है चीज, ये बात चमकती है क्या? यस सर. चलिए दूसरा बताइए, तीसरा चौथा सॉल्व करिए. क्या भाई हो रहा, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? अबे यार तुम मत बोलो यार, तेरा माइक बहुत खराब है पीयूष, तेरा माइक बहुत खराब है यार, पूरा मोहल्ले की आवाज आए तुम्हारे माइक से. बाकी लोग बताओ भाई हो रहा है क्या? हाँ सर. सबका माइक खराब है क्या? हो रहा है क्या? हाँ. सेकंड में इस समीकरण का क्या मतलब है? सेकंड में इस सिंबल का क्या मतलब है? ट्रायंगल एबीसी पे से लिखा है, क्या मतलब है इसका? तो पहले ए वाला होगा फिर बी वाला, पहले ए बाद में बी, साइन बी माइनस साइन सी है ना, प्लस बी साइन सी माइनस साइन बी साइन सी माइनस साइन.
प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, सी साइन ए माइनस साइन बी। अभी क्या करेंगे सर? साइन बी, साइन टू लगा देंगे। अभी साइन टू से ए साइन बी इक्वल टू बी साइन। हाँ तो ये और ये कट जाएगा ना। हाँ सर। फिर ए साइन सी इक्वल टू सी साइन, फिर बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी। वैल्यू कितनी आ गई इसकी? जीरो। जीरो। अरे क्लियर है क्या? यस सर। थर्ड बताइए। फाइव बाय टू कैसे किया बताओ? नहीं मेरे पास साइन रूल से हो गया। कैसे किया बताओ? बी बाई सी साइन बी बाई साइन सी। हाँ बी बाई आ जाएगा तुम्हारा। बी बाई सी इज इक्व टू टू बाई रूट थ्री इज इक्व टू कितना है? साइन बी बाई साइन सी। ठीक है फिर इससे क्या आ गया? सी को 150 माइनस बी लिख दिया। ठीक है सी को 150 माइनस बी लिख दिया। ठीक है फिर सर फिर एक्सपेंड कर दिया। ठीक है एक्सपेंड कर दिया टू बाय रूट थ्री साइन बी नीचे में आ गया साइन 150 कॉस बी। साइन 150 कितना होता है? 1/2 कॉस बी माइनस साइन बी। नहीं ना कॉस 150 आएगा ना फिर यहाँ पे। कितनी आएगी वैल्यू बताओ ना एक्सपेंड करें। कॉस 150 कितना आएगा? माइनस रूट थ्री। और यहाँ पे साइन बी। फिर ये सब करने के बाद कॉस बी जीरो हो जाए। कैसे कॉस बी जीरो कैसे हो रहा है मतलब? सो क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ 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 कॉस बी प्लस रूट थ्री साइन बी इज इक्वल टू साइन बी। तो ये और एक कट गया तो कॉस बी कितना आ गया? जीरो। तो बी का क्या वैल्यू कितना आ गया? 90. ये एक तरीका करने का। इसको चाहो तो कोसाइन से भी कर सकते थे। कैसे? कॉस बी क्या होगा? फॉर्मूले को उल्टा लिखना आना चाहिए। कॉस बी को भी लिखना आना चाहिए तुमको। देखो यहाँ पर से अगर कॉस बी को लिखने को बोले तो कॉस बी को ध्यान आना चाहिए। कॉस बी कैसे आएगा? देखो तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए सी। ठीक है तो आपका कॉस भी कितना का बोलो? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए सी। टू ए सी ठीक है। तो इससे yes. हम लोग कुछ सर पहले कॉस ए ले लेते हैं ना। हाँ सर। हाँ कॉस ये तो निकालना। हाँ हाँ हा, सही कह रहा है। कॉस ए ले लो सीधा। तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ऐसे लिखे ही क्यों फालतू में? पहले कॉस ए क्यों फंसाऊ मैं? मेरे को कॉस ए चाहिए ना सिस्टम में। तो क्या चाहिए मेरे को? यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। बताओ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? डाल देते ना वैल्यू के लिए लिखे राइट। तो बी इज टू के सी इज थ्री के माइनस फोर रूट थ्री। तो गंदा ही होते आ रहा है यार। फोर रूट थ्री कॉस ए कितना होगा? रूट थ्री बाई टू। अरे हेलो है ना कितना बना? कितना आ रहा बताओ? तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज के स्क्वायर। ठीक है मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया?
के आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब मेरे पास अभी मैं साइन इतना करने के बाद भी मुझे एंगल बी निकालना है ना, एंगल बी निकाल सकता हूँ ना मैं कोसाइन रूल से भी, कोसाइन रूल से मेरा एंगल बी क्या आ जाएगा देखो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी होता है ना भाई। तो बी स्क्वायर कितना आया है मेरा, बी स्क्वायर कितना है, तो फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, के स्क्वायर वो कितना है थ्री के, अरे हेलो चमक रहा है क्या, माइनस टू ए सी कॉस बी राइट, अरे हाँ है ना ये जीरो हो गया ना बेटा, तो कॉस बी कितना आ गया वापस से जीरो, मतलब बीस नाइनटी, ये क्लियर है क्या। हाँ सर, कॉपी करो उसको अच्छे से। मैं दो तरीके से एग्जाम से करके दिखाया कि आपको मतलब एग्जाम में थोड़ा मालूम चलेगा कैसे करना है, जितना खेलना सीखोगे उतना फायदा होगा। कॉपी कर लिया yes। तुम लोग क्या बारिश हो रही है क्या नैतिक अन्वेषा? हाँ सर। बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, तुम लोग क्या जोर से बारिश है कि धीमी बारिश है? चेंज होते जा रहा है। हाँ भाई चलो ये वाला कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट में क्या लगता है कैसे करना चाहिए बताओ? कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल से क्यों बोले कोसाइन रूल से, क्या फायदा तुमको, फायदा क्या दिख रहा है बताओ? ए भी कॉस भी दिख रहा है और ए भी कॉस भी दिख रहा है। बहुत अच्छा ठीक है, तो कॉस सी की जगह क्या डाल दें, कॉस सी क्या होगा बताओ, ए भी कॉस सी की बदले डाल दो प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए भी ab और माइनस ए सी कॉस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए सी, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सॉल्व हो गया ना ये तो, कोसाइन से साइन रूल से प्रोसीड कर पाते हैं क्या, कि फंस जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है? फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं? सब कॉस में। कॉस में सिस्टम था, तो अगर मैं बी को साइन रूल से लिख देता टू आर साइन बी और वहां पे टू आर साइन सी, फंसते चले जाते ठीक है। चलो नहीं, अरे इतना क्लियर है क्या? यस यस। अरे बोलो भैया क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। इसमें आरएचएस से कैसे कर सकते? आरएचएस से मर जाएगी बेटा, आरएचएस से कैसे करेगी, छोटे से बड़े से छोटा कर सकती है ना, छोटे से बड़ा थोड़ा कर सकती है, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना कैसे, मतलब वो तो मतलब चोरी करेंगे अपन, फिर जो इधर लिखे हैं उससे उल्टा चलेंगे, वैसे नहीं हो पाएगा ना, मर जाएंगे ठीक है। आगे बढ़िए।
कॉपी कर लीजिए जी, एक मिनट से। तीसरा एक होता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल बहुत ही सिंपल है, आपको नाम से लग रहा होगा। प्रोजेक्शन A इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल्स टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इज इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, और इसको प्रूफ करते हैं। देखो कुछ नहीं है, ये ए है ना तुम्हारा, और ये क्या है बी, और ये क्या है तुम्हारा सी, तो ये क्या है तुम्हारा ए डी। तो ये लेंथ और ये लेंथ बताओ क्या होगी। अगर ये एक्स है और ये वाई है, हमारा ए जो होगा एक्स प्लस वाई होगा ना, और तुम्हारा एक्स कितना होगा। अगर ये सी है और ये एंगल बी है, तो x तुम्हारा क्या होगा बोलो, c cos b, c cos b, और y क्या होगा b cos c। अरे ये बात समझ में आती है क्या, कोई समस्या है क्या किसी को यहाँ तक? नहीं सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करिए। सर इसको प्रोजेक्शन रूल क्यों बोलते हैं? प्रोजेक्शन है ना बेटा, वेक्टर पढ़ी नहीं इस एसी का। ए तुमको तो वेक्टर हमने पढ़ाया था, नहीं तुमको वेक्टर नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था क्या फिजिक्स में? नहीं। ए बी का प्रोजेक्शन क्या है, एक्स है ना। अच्छा, 11th वाले में फिजिक्स मैंने कहां तक पढ़ाया था? मैथमेटिकल टूल्स। अच्छा, इंटीग्रेशन तक पढ़ाया था क्या? इंटीग्रेशन पढ़ाया था। हाँ, अरे हाँ हाँ, याद आ गया मुझे, मेरा सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया था दूसरे सर पढ़ा देंगे। सही, ठीक है। हो गया सर। कॉपी हो गया? यस।
कोई सीबीएसई वाला आया है क्या? यस। कौन आया भाई? वेदांत कुलकर्णी। हाँ सर। क्या बात है यार, तुमने दिल खुश कर दिया। और कोई? पीयूष तरास्कर। हाँ सर। बढ़िया। कैसे करेंगे इसको? ओह ये सब ठीक है। b माइनस सी बाई बी प्लस सी, साइन रूल यूज किए। b क्या होगा? बस तीन लोग और कोई नहीं आए? तो बोलो और बोलो कौन कौन आया। कीर्ति उर्ति है? कीर्ति आकृति नहीं है। श्रावणी? हाँ सर, लेकिन मैं एचएससी में हूँ। हाँ मालूम है। ठीक है, अभी क्या होगा? साइन बी माइनस साइन सी का टू साइन बी माइनस सी बाई टू। हाँ बोलो। कॉस बी प्लस सी बाई टू। अरे भैया फॉर्मूला तो आता है कि नहीं आता है? हेलो। b प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। क्या ये फॉर्मूला नहीं आता है आपको अन्वेषा? आता है सर। तो फिर ये मतलब सन्नाटा का चला रखी हुए है। टेन बी प्लस सी बाई टू हो गया। हाँ सर। बेटा रूही समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो तो हो गया ना प्रूफ? यस। कॉपी करिए बी और सी, खुद से प्रूफ करिए। सेम प्रोसेस रिपीट करना है, बट प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है, तो आप सेम प्रोसेस रिपीट करिए बिना चिंता किए हुए। लेकिन ये आर से लेके ही होता है, कोई और मेथड नहीं? इसके लिए और मेथड नहीं भाई, ये स्टैंडर्ड है। ओके सर। तो टू आर ना मालूम हो तो मतलब के भी ले सकते हैं। हाँ बट टू आर मालूम है ना। सर बी से डिवाइड कर देंगे। क्या बेटा? सर बी से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो बी बाई सी का रेशियो सी बाई बी। ठीक है अब तो साइन ना। ठीक है हेलो। आशीष सर गुड इवनिंग, ज्योति बोल रही हूँ। मैं जी क्लास में हूँ। ठीक है मैं बता देखता हूँ। ठीक है आपने लिंक भेजा है ना, मैं पेमेंट कर देता हूँ देख के। ठीक है
हो गया कर रहे हैं सब हो गया सर रब करें यस चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कैसे करो कैसे करोगे कैसे भी करोगे उसमें क्या ए कॉस सी माइनस कॉस बी इज इक्वल्स टू टू बी माइनस सी क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई टू ठीक है ये प्रूफ करना है मैं तुमको एक मेथड से तुरंत करके दिखा रहा हूँ ठीक है नाउ एसओटी में प्रॉब्लम क्या होती है मेनली सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें ठीक है मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है या तो एंगल्स को साइड में करो या साइड्स को एंगल में करो चीजें ज्यादा आसान पड़ती हैं ठीक है हर चीज को एक साथ कैरी नहीं करना चाहिए ये बात चमक रही है मैं क्या कह रहा हूं हाँ सर बाकी योर चॉइस हाउ यू वांट टू प्रोसीड आई बिलीव कि हमको ज्यादा तरीके मतलब एक तरह से अप्रोच कर सकते हैं ठीक है यस ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो कॉस सी है कॉस बी है कॉस स्क्वायर ए बाई टू है अभी कॉस तो कैसे हैंडल होगा कॉस cos square a by 2 को cos a में कन्वर्ट ठीक है कर दिए फिर सर सारे एंगल्स को साइड्स में कन्वर्ट करेंगे सारे एंगल्स को साइड में करोगे तो ठीक है चलिए cos c minus cos b by कितना होगा
टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, प्रूफ क्या करना है, बी माइनस सी बाई ए। चलिए तो कॉस सी क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा वन प्लस कॉस ए। कॉस ए, अब क्या करें, कॉस सी का डालें कोसाइन रूल से। चलो डालते हैं जो तू कह रहे हो, तो कॉस सी क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए। बी स्क्वायर प्लस माइनस कॉस बी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए। नीचे में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू ए बी सी बाय टू बी सी बी सी। ओके, ऊपर में कुछ बना क्या, अच्छा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू क्या बना, सी ना, और माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी, और नीचे में क्या आ गया, टू ए बी सी आ गया, राइट। और टू बी सी लेके एलसीएम ले लेंगे तो बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी लोग, एब्सोल्युटली। तो टू बी सी काट दिए, चमका नहीं यहाँ तक तो, अरे भाई चमका के नहीं, चमका चमका ना। तो ऊपर में कुछ कर पा रहे हैं क्या हम लोग, ऊपर में कुछ हो पा रहा है क्या हमसे, कि हम लोग की हालत टाइट हो गई है। देखो बी स्क्वायर सी है और प्लस ए स्क्वायर सी है, माइनस सी क्यूब है और माइनस सी स्क्वायर बी है, माइनस ए स्क्वायर बी है और प्लस बी क्यूब है, राइट, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एक a बच गया है, ओके, और यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो तो b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस। तो ऊपर में कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या, एक तो इससे फील आ रही है मुझे फैक्टराइजेशन की, अगर उससे फील आ रही है तो फिर मेरे ख्याल से इससे भी फील आएगी, राइट। तो ये अगर बी सी बाहर ले लेते हैं यहाँ से तो क्या लिखा हुआ है बोलो, बी माइनस सी, और ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर बाहर ले लिए तो क्या लिखा हुआ है, सी माइनस बी, सी माइनस बी, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब से बी माइनस सी करके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ज्यादा नीचे का चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पहले ऊपर को ही सुलझा लेते हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी तो बाहर आ गया ना बेटा, यस सर, क्या लिखा है बेटा बताओ तो ऊपर में, bc माइनस a स्क्वायर, bc माइनस a स्क्वायर, हाँ, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, हाँ, है ना। तो क्या लिखा है, b माइनस c इंटू बोलो तो b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फालतू में नीचे में अपन ने लगा दिया था क्या चीज, आइडेंटिटी। तो ये तो a आ गया, तो कट गया, हो गया ना प्रूफ। Yes. अरे चमका क्या, ये एक तरीका है, हाँ बोल सर। ए को पाई माइनस बी प्लस सी करके और ऊपर कॉस सी माइनस कॉस बी को स्प्लिट करके। चलो ट्राई करते हैं, पहले कॉपी करो, ये एक तरीका, ये मैंने तरीका दिया। ये तरीका मैंने दिया, अब आप करिए एक तरीके से। सर जैसे LHS में सारे एंगल्स को साइड में कन्वर्ट कर दिया, वैसे RHS के साइड को एंगल में कन्वर्ट करके भी तो कर सकते हैं। तरीका एक ही है चेंज करने का, साइन डू साइन बी माइनस साइन सी बाई साइन ए, राइट। करो अब उस, करो उसके आगे देखो, करने में तो को रोक ही नहीं है ना, करो।
क्या भाई कोई तरीका मिला क्या? और लिख रहा है सर, करो करो सर, प्रोजेक्शन रूल से भी कर सकते हैं। हाँ और प्रोजेक्शन रूल से कैसे बताओ? बी को लिखा ए कॉस सी प्लस बी कॉस, सॉरी बी को क्या लिखेंगे बताओ? ए कॉस सी कॉस, सी कॉस से क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ बोलो, सी कॉस ए और सी को ए कॉस बी, b cos a प्लस a cos b, दोनों को माइनस कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम में b माइनस c बनाना है। तो क्या आ जाएगा बताओ? अगर दोनों में से माइनस कर दिए तो a क्या into हो रहा है? cos c minus cos b, a into cos c minus cos b, cos b minus of बी माइनस सी कॉस ए। चमका, उसको लेफ्ट में ले गए तो क्या आ गया बताओ? बी माइनस सी इंटू वन प्लस कॉस ए इज इक्वल टू बोलो ए कॉस सी। अरे चमका क्या? हेलो, यस सर, हो गया ना प्रूफ इससे भी? हाँ। और भी कुछ कर सकते हैं क्या? और कोई तरीका हो सकता है क्या? सर cos c minus cos b को एक्सपांड करके cos square a को, लेकिन वो लंबा जाएगा। क्या बोलो क्या बोले क्या बोले?
नहीं वही क्या मतलब बनता है cos c minus cos b को हाफ एंगल में करने से कुछ होता है तो देखा जाए। चलो मेथड 3 भी ट्राई करते हैं, ट्राई करने को दिक्कत थोड़ी है। लंबा जाएगा ना वो, लंबा छोटा कुछ नहीं होता भाई, लंबा छोटा क्या होता है, लंबा छोटा कुछ क्या होगा बोलो, cos c minus cos b क्या होता है, मालूम है sin b minus c, मालूम है ना, नहीं मालूम है, कहानियां नहीं कि लंबा है छोटा है, कुछ लंबा नहीं होता है कुछ छोटा नहीं होता है, इससे एक स्टेप में हो जाएगा, वन सिंगल स्टेप में होगा। तुमको कितना पेशेंस है ये तुम बताओ, टू साइन बी माइनस सी बाई टू, समझ रहे हो, साइन बी प्लस सी बाई टू क्या होगा, कॉस ए बाई टू होगा ना बालक। यस सर। अरे बालक होगा कि नहीं, पाई माइनस ए। हाँ सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। भाइयों अरे कट गया बालक। अरे भाइयों अरे ये क्लियर है। यस सर। मेरे को नीचे में ए बनाने का है ना, मेरे को नीचे में बी और सी बनाने का है ना ऊपर में, तो नीचे में ये कैसे बन सकता है, हाफ एंगल को फुल एंगल में चेंज करें, तो हाफ एंगल को फुल एंगल में चेंज कर दीजिए। अरे समझे क्या भैया, अब नीचे में क्या बन गया, साइन है, ऊपर में क्या करेंगे, टू साइन बी माइनस सी बाई टू है ना बालक, तो साइन को क्या लिखेंगे फिर, साइन ए बाई टू को बोलो कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू। अभी टू साइन ए और कॉस बी क्या होता है, अरे टू साइन ए कॉस बी क्या होता है बे, साइन ऑफ साइन बी प्लस सी, अल्लाह साइन बी प्लस सी और साइन बी, अरे हुआ क्या, अभी क्या लगा देंगे साइन रूल, तो क्या आ गया बी माइनस सी बाई ए, हुआ कि नहीं हुआ तीनों मेथड से, समझे भाई, तो आप जो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, तुझे पटेगा लंबा पड़ेगा, लंबा पड़ा क्या, नहीं सर, एर जो मन में आया वो करके तो देखो भाई, तीनों मेथड क्लियर है, हाँ सर, कोई और मेथड होगा क्या, कि काफी है तीन मेथड, काफी है, काफी थक गए तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, तो अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ सर, यस सर, नैतिक कनेक्टेड है कि खत्म हो गया पावर मोबाइल का, लाइट आ गई, बड़ा खुशी हुआ मुझे यार, हमारे यहाँ लाइट कटती है, अरे बारिश कब तक होने वाली है, कोई आइडिया है क्या, क्यों हो रही है बारिश, मतलब क्या हो गया इस साल, सर आज पूरा रात, दो दिन का वार्निंग दिया था, टेस्ट मैच भी बर्बाद हो गया, वैसे भी टिकट नहीं मिल रहा था उसका, क्राउड अलाउड है 25% बस, वो तो जाने देते हैं, अरे भाई नहीं जाने दे रहे हैं अब ना, नहीं सर एमसीए ने बोला कि पूरा 100% क्राउड अलाउड है, अबे भाई बोल रहे हैं तुम बात समझते नहीं हो, बोल रहे हैं अब कल ही आया है नोटिफिकेशन 25% अलाउड है, दिन भर क्रिकेट दुनिया में रहता हूं मैं, मुझे नहीं मालूम रहेगा, चलो कॉपी करो, कॉपी कर लिए, एक मिनट, दिन भर उधर ही गली में घूमते रहता हूं मैं, क्रॉस आ जाते हैं, पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया है तूने रे विदुषी, हाँ लेकिन मुझे एक बार और पढ़ना है, क्या करे ही पढ़ गए,
वो टेम्पल वेम्पल तुम लोग में होता कि नहीं होता अभी सब टेम्पल वेम्पल चोलास टेम्पल और ये एरा वो एरा खत्म हो गया वो नाइन्थ में था क्या क्या है हिस्ट्री में अभी अभी पूरा वो इंडिया और ब्रिटिश के बारे में मॉडर्न इंडिया है कि मतलब वो इंडस वैली वगैरह नहीं वो नहीं वो ब्रिटिशर्स का था ना क्विट इंडिया माउंट ब्रिटेन पे फॉरवर्ड ब्लॉक अर्ली नेशनलिस्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट वो सब अच्छा अच्छा कब था क्विट इंडिया मूवमेंट किस दिन लॉन्च हुआ था क्या सर क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था हेलो हाँ हेलो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आ रही है सर हाँ सर अभी आ रही हाँ तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था 1942 अगर डेट बताओ 8 अगस्त कॉपी कर लिए हाँ सर तुम्हें क्या लगता है विदुषी कि मतलब रिजल्ट महत्वपूर्ण होता है कि रिजल्ट के लिए लिया हुआ रास्ता इम्पोर्टेंट होता है रिजल्ट के लिए दिया हुआ इज द रिजल्ट ओनली इम्पोर्टेंट इन लाइफ और द पाथ टेकन फॉर द रिजल्ट शुड बी राइट यस प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी की लड़ाई जो थी 1939 में कांग्रेस के उसको लेके प्रेसिडेंटशिप को लेके था ना बोर्ड हां तो उसमें व्हाट डू यू थिंक हु वाज राइट हु वाज रॉन्ग सुभाष चंद्र बोस वाज राइट व्हाई महात्मा गांधी एक तो उनको रियलाइज करना चाहिए था कि अगर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का दो डिफरेंट विंग था कांग्रेस में लेफ्ट विंग और राइट विंग और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो राइट विंग का जो रिप्रेजेंटेटिव है वही कांग्रेस का लीडर बने वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो लेफ्ट विंग के थे वो बने उनको ऐसा सोचना चाहिए था कि एक ऐसे अग्रीमेंट पे आए कि दोनों का जो एम है ऑब्जेक्टिव है वो दोनों सेटिस्फाई करे और दोनों का ऐसा यूनिफाइड व्हाट वाज द डिफरेंस डिफरेंस क्या था सुभाष बाबू और महात्मा गांधी के उस वाले इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम क्या थी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो अपने अप्रोच में लेकिन महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि हम सिर्फ नॉन वायलेंट के एम के अंदर अचीव कर सकते हैं इंडिपेंडेंस लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वो एग्रेसिव हो गए और ब्रिटिश से डिमांड करे अपने इंडिपेंडेंस के बट गांधी जी की सोच ऐसी क्यों थी कि हम नॉन वायलेंट से ही जीते हैं व्हाट वाज द रीजन साउथ अफ्रीका में उनको सक्सेस मिल चुका था नहीं दैट वाज नॉट द रीजन रीजन क्या था अच्छा इंडिया में एट एनी मोमेंट कितने ब्रिटिश सोल्जर्स रहते थे एनी मोमेंट 1:8 का रेशियो था इंडियन आर्मी यस तो मैं जो इंडियन पुलिस सर्विस थी जो कि लोगों पे मैक्सिमम टाइम अत्याचार करती थी वो किसकी थी इंडियंस की थी कि ब्रिटिशर्स की थी इंडियन की तो व्हाई डिड महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट अभी रीजन समझ में आता है अगर वायलेंट होता तो मरता कौन इंडियन चाहे खाकी वाले इंडियंस चाहे धोती वाले इंडियंस मरते इंडियंस ना एनीवे जो मेन लड़ाई थी 39 की लड़ाई थी गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस सुभाष बाबू का उसमें एक और पॉइंट था जिसके लिए गांधी जी ने गीता को इन्वोक किया था कृष्ण को इन्वोक किया था क्या पॉइंट था वो है क्या बुक में हट गया है सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना कि हम लोग को एक्सिस पावर्स सपोर्ट करना चाहिए बाय द वे एक्सिस पावर्स में कौन कौन आता है एक्सिस पावर्स में इटली जर्मनी जापान सुभाष चंद्र बोस इनको सपोर्ट करना चाहते थे बट महात्मा गांधी किसी भी हालत में चाहे कितना भी अपना रिजल्ट पायस हो अपना पाथ को गलत नहीं करना चाहते थे तो फिर इसमें तुमको क्या लगता है कौन सही था हिटलर का सपोर्ट करना सही था हिटलर से सपोर्ट लेके आजादी पाना वो इज अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन वी कैन नॉट से एट लेकिन हिटलर ने सपोर्ट नहीं किया था ना वो रेडी नहीं थे अंटिल एंड अनलेस कि
कांग्रेस खुद उनको इनवाइट करे, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस इंडिविजुअली सपोर्ट मांगने गए थे ना। हाँ बट सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने अपने आश्रय दिया ही था ना, सुभाष चंद्र बोस को तो हिटलर के यहाँ आश्रय मिल ही गया था ना, वो सिर्फ उनको स्टे करे लेकिन उन्होंने आर्म्स वगैरह के आर्म्स नहीं दिया था, आर्म्स तो आर्म्स तो जापान ने प्रोवाइड किए थे। बट मेरा क्वेश्चन वही है, जापान एंड जर्मनी वर इन अग्रीमेंट, सो टेकिंग द, मेरा क्वेश्चन वही आता है ना वापस से कि पाथ चाहे कितना भी मतलब रिजल्ट चाहे कितना भी पायस हो, पाथ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? अगर इसके इंडिपेंडेंस के लिए बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस वाज मच मोर इम्पोर्टेंट ना, चाहे आप कोई भी प्रोसेस, इट डज नॉट मैटर कि 20 लाख ज्यूज वर बीइंग किल्ड सर, ऐसे भी तो लोग मरते ही, मतलब कि वो जैसे अगर फोर्सफुली इंडिपेंडेंस वो ले लेते तो फोर्सफुली नहीं, मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जर्मनी वाज किलिंग एवरीडे whom Jews, Japanese were killing every day Chinese, so people were being murdered in name of race, तो उनका सपोर्ट लेना आजादी क्या कितना भी पायस पाथ हो सही है क्या कि नहीं है, डिपेंड करता है सर। ब्रिटिशर्स वर आल्सो डूइंग द सेम थिंग विद अस, क्या सर ब्रिटिशर्स भी रेस के ऊपर हमसे डिस्क्रिमिनेशन करके हमसे मतलब डिवाइड करके रूल कर रहे थे ना, बट हम तो खुद ही कर रहे थे ना, हमारे तो पुलिस वाले थे, क्यों नहीं सारे पुलिस वाले ने जॉब छोड़ दी, ब्रिटिश इतनी छोटी कंट्री थी, सारे पुलिस वाले जॉब छोड़ देते इंडिया के, क्यों नहीं जॉब छोड़ दी, तो अगर सारे पुलिस वाले जॉब छोड़ देते, सुनो अगर सारे पुलिस वाले जॉब छोड़ देते तो कैसे कौन कंट्रोल करता फिर, कोई नहीं करता, आजादी तो तुरंत मिल जाती ना। हाँ सर, जो जो लोग जॉब कर रहे थे ब्रिटिशर्स के यहाँ वो लोग क्यों नहीं छोड़ दिया जॉब को, नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा ना, सब लोग जॉब करते रहे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये पॉइंट भी सोचना चाहिए हम लोगों को ना, आजादी के ब्रिटिशर्स की तरफ से बेटर ट्रीटमेंट मिलती थी, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अब तुम लोग पढ़ा करो, आईआईटी यूजी खत्म हो जाए, पढ़ा करो और समझा करो चीजों को, आई विल नॉट गेट इन टू टू मच पॉलिटिक्स, ये पता करना जो ब्रिटिशर्स की पुलिस आर्मी थी ना, पुलिस वाले लोग, वो कौन से लोग थे पता करना, और वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे ब्रिटिशर्स का साथ, ये पता करिएगा आप लोग। सर ये जो कारण था ना कि ब्रिटिशर्स की तरफ से उनको बेटर ट्रीटमेंट मिले, वो अभी भी तो हो रहा है, कितने सारे आईआईटीएंस अभी, जैसे वो ट्विटर के सीईओ ने जो रिजाइन किया तो पराग अग्रवाल ने सक्सीड किया ना, तो कितने सारे तो इंटेलिजेंट लोग जिनके अंदर कैपेबिलिटी है इंडिया को आगे ले जाने की, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, उनको बेटर प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, और उन्होंने तो देखो नहीं देखो दैट इज देखो वो एक डिफरेंट इशू हो जाता है बेटा, उसमें ना एक बहुत डिफरेंट इशू हो जाती है चीजें, उसमें मतलब वी कैन नॉट टॉक इन सच अ मीडियम, एक बहुत 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 डिफरेंट इशू है। अगर तुम ट्विटर पे हो तो यू इफ यू तुम नहीं होगे ट्विटर पे, मैं तो हूँ, यू हैव बीन शॉक्ड दैट डे इंडिया में टॉप ट्रेंड क्या कर रहा था व्हेन पराग बिकेम, मेरे कैंपस का है ठीक है, और what was trending on Twitter would have shocked you at such a young age, कि इंडिया में क्या सही में ऐसा होता है क्या, ठीक है, तो that's a totally different thing, जैसे भविष्य है, भविष्य और पराग ये सब ट्रेंड कर रहे थे उस दिन due to some different reason, और इंडिया से जाना is different thing, मतलब और इंडिया में जैसे बच्चे ने कहा कि ब्रिटिशर्स भी हमको वैसे ही ट्रीट कर रहे थे, बट हम तो ट्रीट हो रहे थे ना, वो कहाँ ट्रीट कर रहे थे, मैं तो सिंपल सी चीज जानता हूँ कि हम तो ट्रीट हो रहे थे ना, अगर हम सब लोग काम करना बंद कर देते ब्रिटिशर्स के लिए, यूनिटी ही नहीं थी ना, यूनिटी नहीं होती, वो सोचते ही नहीं थे आगे के, वो बस सोचते प्रेजेंट डे सोचते थे कि हम ना 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 नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक मिस्टेक है आपकी सोच में, यहाँ एक मिस्टेक है आपकी सोच में, एक बहुत पुराना युद्ध है इंडिया का 1820s में, शायद बाद में बुक से हट गया था, मेरे टाइम पे था, 1820s में एक युद्ध हुआ था महाराष्ट्र में ही, पढ़ना उसके बारे में, 1820s 1819s के बीच में एक युद्ध हुआ था। सर वॉर का नाम क्या था? शायद मैं भूल रहा हूँ यार, मतलब पुणे के पास हुआ था युद्ध सर, उसमें पेशवा लड़े थे क्या? पेशवा था, इट वॉज बिटवीन
एंड कुछ तो था मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, ठीक है पढ़ना उसको, मुझे याद है बट मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहता हूँ, पढ़ना एक बार सर पढ़ा है, ठीक है। हाँ तो मतलब वो एक चीजें हैं इंडिया में, और यूनिटी खोजना बड़ा आसान होता है बट व्हेन यू कम टू एक्चुअल ग्राउंड लेवल ना चीजें काफी डिफरेंट है इंडिया में। इट इज वेरी इजी टू से कि यूनिटी, आप लोग यूनिटी बॉर्डर पे सोचते हो, बॉर्डर की यूनिटी, आप ये तो सोचो ना यार हमारे इंडिया में आप इसे मैं बताता हूँ किसके लिए यूनिटी चाहते हो आप बताओ, किस चीज के यूनिटी चाहते हो आप कभी सुनी तो? अरे बेटा 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 बात सुनो, सोचो ना हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। आप मतलब मैं इसे बेटे को सुबह खिलाने ले जाता हूँ ना बेटी, तो मैं बाहर फैशन स्ट्रीट है उसके क्रॉस के, मैं चल घूम चलते रहता हूँ, तुमको पता है वहाँ पे ना 50, आप सब लोग बहुत लोग गए होगे, घूमे हो ना वहाँ, बहुत सारे शॉप्स हैं, सस्ते में सामान मिलता है, आजाद क्रॉस के बीच में जो है ना वो शॉप्स की लाइन, ध्यान है सबको, कुछ लोग गए होंगे मोस्टली। अरे आजाद मैदान के बाहर में एक है ना फैशन स्ट्रीट, जितने दुकानदार होते हैं ना सब वही दुकान के बाहर ही सोते हैं अपने, पता है मैं सुबह 6:30 में पहुंचता हूँ, वो लोग लगभग 6:45 में उठते हैं, अपना खाना बनाते हैं, मैं सब देखते रहता हूँ, फैमिली छोटे बच्चे वाइफ सब वही सो रहे हैं, ठीक है। खाना क्या बनाते हैं वो लोग, दाल चावल करेले की सब्जी, बिकॉज करेला अभी चीपेस्ट है इस वक्त, दे डोंट यूज प्याज, दे डोंट यूज आलू, दे डोंट यूज टमाटर। सामने CCI है, CCI मुंबई जिम खाना, ठीक है, उसे बंदा उसमें जो मतलब रिच का है लोग, अब वो 250 रुपए की जाके हम लोग भी खाते हैं यार, ब्रेड खा के एक ऑमलेट 250 रुपए में देते हैं, तो दैट इज बिग इनइक्वालिटी, ठीक है, जो कि हमेशा। अब तुम जो सोचते हो ना यूनिटी नहीं इंडिया में, तुम मुझे बताओ जो ये लोग सो रहे हैं सुबह 200 लोग, इनके लिए मैटर करता है क्या, कौन सा यूनिटी चाहिए इनको बताओ, क्या लाइफ है इनकी, इनके बच्चे क्या लाइफ है, कोई लाइफ नहीं है। हम लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड है, हम लोग तो हाईली प्रिविलेज्ड क्लास है ना हम लोग, बताओ। तो ये जो यूनिटी वर्ड है ना, ये जो यूनिटी वर्ड है ना, ये बड़े अच्छे से हमारे दिमाग में इनग्रेन कर दिया जाता है, यूनिटी, यूनिटी फॉर वॉट, क्या हम यूनाइट होते हैं क्या, कि जितने बच्चे रोड पे हैं हम सब लोग खेलने जाते हैं ना शाम को, हम लोग कभी सोचते हैं चलो यार मतलब एक घंटा बच्चे को पढ़ा दिया जाए, नहीं करते ना, क्यों करेंगे यार, कोई नहीं करते, हमें से बहुत कम लोग करते हैं। तो यूनिटी कंसेप्ट इज वेरी मतलब 100 years old, कंट्री के बॉर्डर के लिए बनाया गया। उसके पहले ये कहाँ नेशन वगैरह होता था, छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, रिपब्लिक्स होते थे। अब तुम देखो ना, सिंपल से एग्जाम्पल बताए, एक सिंपल फैमिली है इंडिया में, सब नाम जानते हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली भी है, सिंधिया फैमिली, झांसी वाले जो युद्ध हुआ था उसमें ये तो अंग्रेजों के साथ थे ना, तभी भी ये मलाई खाए थे, आज भी मलाई खाते हैं ना, क्या लॉस हुआ इनको बताओ। तो मतलब यूनिटी इज समथिंग वेरी डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो तुम लोग, मतलब कुछ क्वेश्चंस बहुत ही जेन्युइन उठे यहाँ पे अभी, तो उसके लिए पढ़ना चाहिए। यूनिटी, व्हाई यूनिटी, फॉर व्हाट यूनिटी, यूनिटी फॉर व्हाट, फॉर बॉर्डर, फॉर बॉर्डर सर, यूनिटी से ज्यादा बोलते कि इक्वालिटी मैटर करता है, मतलब अगर कोई एवरीवन शुड बी एट इक्वल, मतलब सब एक और एक ही इसमें होने चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं सर। कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा बताओ, जो सिंधिया फैमिली 200 साल पहले वो तो जमीन लेके पैदा नहीं हुई थी, जमीन तो उनके लोगों के ही थे, तो 1947 तक वो अंग्रेजों के साथ रहे, और उसके बाद हमारे साथ अभी MP MLA बन के CM बन के रहते हैं, दो स्टेट्स में रहते हैं ना, बन के स्टेट्स में है कि नहीं, आप लोग को आइडिया है ना सिंधिया फैमिली के बारे में? हेलो, ना ज्यादा नहीं। अरे माधवराव सिंधिया, ये अपना ज्योतिराज सिंधिया और वो विजयराज सिंधिया, अरे अरे घर में दिमाग नहीं है किसी को, क्लास पढ़ा रहे हैं तो आवाज आ रही है, गेट बंद करो रेहान, लाइफ में लॉजिक खो चुके हो क्या बिल्कुल? नहीं तो मैं तो बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब पढ़ते रहना चाहिए चीजों को, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमको दिखाया जाता है, वो मैक्सिमम टाइम एक इल्यूजन होता है, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, मैं हमेशा ही, मेरा यही रहता है, और जैसे आप लोग के एज में था तो मैं भी गांधी को मतलब बड़ा मतलब सोचता था यार ये क्या है, मतलब ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वायलेंट होते अगर हम लोग तो सिर्फ इंडियंस ही मरते, चाहे पुलिस वाले इंडियंस चाहे नॉन पुलिस वाले इंडियंस। ब्रिटिशर्स कितने थे इंडिया में एक मोमेंट पे, बहुत ही कम रहते थे, ये बात समझ में आती है?
अभी जहां तक विदुषी जी कह रही थी बेटा कि लोग आईआईटीएस बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर जाने से ना एक फायदा तो ये होता है ना कि वहां की लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है, कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ की जो समस्याएं है ना, समस्याएं वहां पर भी हैं, वहां भी ब्लैक वर्सेस वाइट है, रेसिज्म है, बट वहां पे आप लड़ाई कर सकते हो ना अपने राइट को लेके। वहां पे जब ट्रंप भाई साहब पगला गए थे तो जो सिलिकॉन वैली था सबने बोला ना कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या, है कि नहीं? वहां के ट्विटर के बंदे ने कैन यू इमेजिन इंडिया में कि मतलब अपने पीएम या प्रेसिडेंट और किसी को तुम ट्विटर से निकाल दोगे, वहां पे प्रेसिडेंट को निकाल दिया ना उसने, आसान काम है क्या? हमारे यहाँ क्या होता बताओ, निकालता तो समझ रहे हो ना, तो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, टॉपिक खत्म ही नहीं होगा फिर यार। तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इंडिया में वुमेन को वोटिंग राइट कब दिया गया था? स्टार्ट से ही गुड। और ये तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सिविलाइज्ड है, उन्होंने कब दिया था? लेट 45 में दिया था। अप्रिशिएट द थिंग्स व्हिच यू गॉट। यूएस में ब्लैक्स को वोटिंग राइट कब दिया गया? वो तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है ना यूएस, तो कब दिया गया? लिटरेसी हैज गॉट नथिंग टू डू हाउ अ ह्यूमन कैरेक्टर इज मेड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, लिटरेसी हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। यूएस में कब दिया गया था ब्लैक्स को वोटिंग राइट? लिंकन के टाइम में है? वोटिंग राइट भाई, वोटिंग राइट, हम स्लेवरी फिनिशिंग की बात नहीं कर रहे हैं। स्लेवरी फिनिश हुआ था लिंकन के समय पे 1871 में, यूएस आजाद बहुत पहले हुआ था, 1770 के आसपास आजाद हुआ था ना, फिर 100 साल बाद सिविल वॉर में ब्लैक्स को स्लेवरी से छुट्टी मिली, उसके 100 साल बाद लगभग वोटिंग राइट मिली, ठीक है। तो आप सोचो नोबेल पुरस्कार कब से बट रहा है, एनी आइडिया? 1500 नोबेल पुरस्कार कब से बटना शुरू हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ना, 1900 नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं यार, नोबेल पुरस्कार मेरे हिसाब से तो मतलब 1910 या 1915 से बटना शुरू हुआ था। तो 1920 से लेके 1970 तक यूएस में तो बहुत नोबेल पुरस्कार पाए गए थे, मालूम है आपको? अभी भी पाए जाते हैं, ठीक है। यूएस में 1965 में जो ब्लैक्स काम करते थे ना नासा वगैरह में, उनके लिए अलग बाथरूम था, पता है आपको, अलग सीटिंग अरेंजमेंट था, अलग खाना का अरेंजमेंट था। Education has got nothing with how a man's character is made. ये बात ध्यान रखना। People may say anything, but we got too many rights at very good time. ठीक है, ऐसा नहीं है कि US में स्थिति नहीं है, इसमें स्थिति खराब है, काफी खराब है, काफी खराब है, but people are able to talk about those things. सर, लेकिन ये आया कैसे कि वाइट इज सुपीरियर देन ब्लैक? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तुम अपने घर में कभी फेस्टिवल के दिन ब्लैक क्यों नहीं पहनती हो? सर, ब्लैक को एक बैड सिंबल माना जाता है। क्यों बताओ? बताओ। व्हाई? सिंबलाइजेस डार्कनेस, इसलिए ना। वही तो प्रॉब्लम है, वही तो, यही तो सबसे बड़ी रेसिज्म यही है ना। रेसिज्म तो यही पहन, कलर्स में तो अलग है ना, मतलब स्किन कलर तो एक अलग है, कलर्स को तो हम सिंबल देते हैं, मतलब लव को हम डांस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वही तो, वही दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। इसी को रेसिज्म कहा जाता है, वाई द ब्लैक इज बैड, वाई वाइट इज गुड, दैट इज द रेसिज्म। इसी की फाइट चल रही है यूएस में अभी। ऐसे तो सर वाइट को बोल सकते हैं कलर लेस है, कुछ टैलेंट नहीं। यू शुड हैव सेड, बट नहीं है ना। तुम इंडिया का मैट्रिमोनियल एड देखते हो कभी, पढ़े हो कभी आज तक? नहीं सर। पढ़ना, पेपर में आता है, पढ़ना चाहिए, बहुत हंसी आएगी।
बहुत हंसी आती है उसमें बहुत रहता है। हाँ। नहीं नहीं अरे भाई फेयर 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 कॉम्प्लेक्सन तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है व्हेन यू अच्छा ठीक है तुम सबने बचपन में रामायण देखा है यस तो याद है रावण वावण को ब्लैक दिखाया जाता था डार्क स्किन ब्लैक कहां दिखाया मतलब कार्टून वाले में दिखाते थे मतलब कार्टून वाले में मैं कार्टून की बात कर रहा हूं मैं कार्टून की बात कर रहा हूं डार्क मतलब स्किन टोन डार्क एग्रीड एग्रीड डार्क सो व्हाई द डार्क नीड्स टू सिंबलाइज बैड थिंग दैट इज द प्रॉब्लम पर ये प्रॉब्लम बाद में आई ना क्योंकि पहले तो हम कहते थे कि कृष्ण भी काले ही थे मतलब फिर भी भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं इंडिया हैज बीन अ कंट्री जो कि 3000 साल 2000 साल पहले से जहां पे डिस्कशन वाज पैरामाउंट टू एनीथिंग पीपल यूज्ड टू कम यूज्ड टू टॉक यूज्ड टू डिबेट यूज्ड टू डिसलॉज ऑल द आर्गुमेंट्स ऑफ अ किंग्स फिलोसोफर यूज्ड टू टेक मनी यूज्ड टू गो इंडिया हैज बीन ऑलवेज अ डिफरेंट कंट्री इंडिया कभी कंट्री नहीं था इंडिया वाज अ स्मॉल रिपब्लिक 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 इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं इंडिया में स्लेवरी कभी कंसेप्ट नहीं था इंडिया में चीजें बाद में ज्यादा खराब हुई इंडिया में चीजें बाद में खराब हुई सर फॉरेन इंटरवेंशन के बाद नहीं पागल हो 5th बीसी में खराब हो गया था बुद्धा कैसे आए थे व्हाई डिड बुद्धा राइज व्हाट वाज द नीड फॉर बुद्धा टू राइज करना को क्योंकि अशोका ने बहुत ज्यादा ही मर्डर करना शुरू कर दिया अरे नहीं भाई का बुद्धा का अशोका किधर बुद्धा अशोका सेम टाइम पे थोड़ी ना थे सर अशोका ने फिर सोच लिया कि अब से मैं कुछ ऐसा अरे नहीं अरे नहीं नहीं पागल बुद्धा अगर ब्लैक बुद्धा बुद्धा पहले एक मिनट बेटा बुद्धा पहले आया था बुद्धा पहले आया था ठीक है बुद्धा पहले आया था अशोका बाद में था और अशोका को रिमोर्स हुआ था क्या कलिंग युद्ध के बाद आई डाउट बहुत सारी बुक से पढ़ना चाहिए तो बहुत नहीं बहुत लोग का ऐसा भी कहना है कि जब एक बार अशोका उतना बड़ा लैंड जीत गया और कंट्री में अगर नॉन वायलेंस नहीं प्रीच करता फिर कंट्री में हर जगह युद्ध होते रहता तो उसने सबको बुद्धम शरणम गच्छामी करा दिया ताकि लोग मुझसे लड़ाई मत करने बैठ जाएं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मेरा क्वेश्चन वही नहीं है मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है और एजेस ब्लैक हैज बीन सिंबलाइजिंग बैड जिसके लिए अभी फाइट यूएस में करंट फाइट यही चल रही है जितने भी फूड्स के नेम होते हैं आप बहुत से आप देखोगे ना आप मतलब देखोगे ऐसे कि मतलब जहाँ पे चीजें ऐसी हो जाती है जहाँ हम लोग नहीं चाहते हुए भी ब्लैक को ना बैड सिंबलाइज हो जाता है जो सही नहीं है मेरे हिसाब से कहीं सही नहीं होता है ये चीज तो जब इस डिबेट आ चुका है कि ब्लैक कलर मतलब स्किन कलर पर ब्लैक और व्हाइट डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए तो कलर्स में भी तो ये डिबेट अराइज होना चाहिए ना कि ब्लैक को क्यों डार्कनेस से ऐसा सही बात है ना सही बात है ना सबसे बड़ी हम लोग जो इंडियंस इतना रेसिस्ट रेसिस्ट बोलते हैं तुम इंडिया में देखो ना इंडिया में हम लोग सबसे बड़े रेसिस्ट है यार हम लोग मतलब मैं जब कैंपस आया था जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे मैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे मैं यार एक मतलब मैं मतलब पता नहीं कैसा था मतलब आई फिर मतलब एक दो बार मुंह से ऐसे निकल गया था नहीं निकलना चाहिए था बैड वर्ड मतलब यार अपन नहीं बोल देते रोड पे मतलब नेपाली चाइनीज वो नहीं बोलना चाहिए गलत होता है सब और हम हाँ बोलो सर वो डिपेंड भी करता नहीं कि कौन कैसे ऑफेंड होता है समझो किसी को अपने गोरे इंसान को आपने बोला है गोरा तो ऑफेंड नहीं होगा लेकिन किसी काले इंसान को अपने कालू बोला तो जल्दी से ऑफेंड हो जाता है तो जो हम बोले क्यों हम ये जो प्रथा है ना ये जो प्रथा है ना लोगों को उनके मतलब बॉडी के फीचर से बुलाने की ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना अब तुमने देखो बात वाई बिल्कुल सही है कौन कैसा ऑफेंड होता है वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट वेरी गुड पॉइंट बट अब इसमें कैसा है कि अब क्योंकि तुमने मन में बैठा रखा है ना काला हैज बीन बैड सो इफ यू आस्क समबडी जैसे मैं आज ही पढ़ रहा था 1965 में ब्लैक्स को यूएस में बस में दो ही या तीन सीट्स थी और सीट्स के पीछे से और बस के पीछे से ही चढ़ सकते थे वो तो एक बंदी थी नाम भूल गया मैं आज ही उसका बर्थडे या कुछ था उसने पूरा उसकी लड़ाई किया था और अगेन नॉन वायलेंस वॉज अपराइज अगेन नॉन वायलेंस वॉज यूज फिर 71 में वहां पे यूएस के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाइयां हुई और फिर वो रेसिज्म को हटाया गया एंड वी हैव बीन रेसिस्ट इंडियंस हैव बीन रेसिस्ट यार हम लोगों को ऐसे ही बुलाते हैं हम लोग का मैट्रिमोनियल एड पढ़ोगे ना शर्म से आंखें झुक जाएंगी लाइक व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अ बिट टाइम अगो जैसे पराग बना ठीक है भविष्य है ठीक है यू नो व्हाट वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर दैट डे नाइस द कास्ट इनकी कास्ट ट्रेंड कर रही थी जो भी कास्ट हो इनका दैट रॉक्स दैट्स नॉनसेंस यार दैट्स नॉनसेंस
दैट्स एक्चुअली नॉनसेंस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ना, हम लोग इंडिया में हर चीज को बहुत आराम से स्वाइप डाउन कर देते हैं. हम लोग कास्ट को कैसे स्वाइप डाउन कर देते हैं कि अरे ये तो हमारा कल्चर है, उस चक्कर में प्रॉब्लम है. वही है ना, तुम लोग कहना कि एजुकेशन सिस्टम सर हमारा ये भी तो आर्गुमेंट है ना कि वो लोग भी तो प्राउड हो सकते हैं अपनी कास्ट. कौन लोग तो जिनकी कास्ट, वो लोग अपनी कास्ट में प्राउड है, दिखा भी सकते हैं, ये भी तो आर्गुमेंट. हां बट फिर तो फिर हाउ डू यू से हिटलर वाज रॉन्ग. हिटलर भी प्राउड था अपने कास्ट को लेकर. सर लेकिन किसी का कास्ट ये थोड़ी दिखाता है, तो लोग हार्म थोड़ी कर रहे हैं किसी को मारो. हां हार्म कौन नहीं हार्म कर रहा है. हिटलर तो अपनी कास्ट का राइट वो दूसरे के ऊपर ऑप्रेस करता था. हाँ. तो हमें तो हमेशा ऐसे ही होता है ना बेटा, कोई भी जो कास्ट होता है वो हमेशा जो सो कॉल्ड कास्ट होता है लो में उसको तो हमेशा ऑप्रेस ही करता है. हाउ डज अ पर्सन का बर्थ डिफाइन हिज कास्ट, इज इट दैट अ बिट ऑफेंडिंग कि आप बच्चे के बर्थ से ही. मुझे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है जो सो कॉल्ड इंडिया में डिवाइड है अपर कास्ट लोअर कास्ट व्हाटएवर नॉनसेंस, आप एक सिंपल सी सोचो ये सब ऑफेंडिंग जो होती है सब बाहर में ही क्यों होती है. जब आपको ब्लड लेना होता है आप पूछते हो क्या कि ब्लड हिंदू का है कि क्रिश्चियन का है कि मुस्लिम का है कि किस कास्ट का, ये कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है ना. व्हेन ब्लड ग्रुप हैज नॉट बीन, हाउ द बर्थ कैन डिफाइन अ पर्सन इज ऑफ व्हाट कास्ट एंड हु हैज डिफाइंड कास्ट. अब ये चीजें ऐसी है ना कि मतलब यू नीड टू मतलब पढ़ना चाहिए सबको. हम बिफोर कमेंटिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, बिफोर कमेंटिंग ऑन यूएस, हमें खुद भी पढ़ना चाहिए ना कि मतलब हम क्या सही कह रहे हैं क्या. आप प्राउड हो किस चीज को, प्राउड लेके हमें मतलब फॉर व्हाट फॉर गुड. सर गवर्नमेंट भी इस पे ऐसे यूज करती है ना फॉर वोट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेट करके वोट्स ले लेते हैं. अरे देखो बेटा, पॉलिटिशियंस आर द मिरर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, उनकी गलती नहीं मानता मैं, वो बेचारे पॉलिटिशियन तो नाइव है, बेकार बेवकूफ है. गलती हम लोगों की है ना यार, गलती हम लोगों की है ना. हम लोग ना मतलब बर्थ वाले चीज में खुद को बड़ा मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं. क्या बर्थ इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्या बर्थ इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या सर? ऐसे तो फिर नेशनलिटीज को भी डिनाय कर देना चाहिए क्योंकि बर्थ नेशनलिटी इज 150 ईयर ओल्ड कांसेप्ट. नेशनलिटी इज एट मोस्ट 200 ईयर ओल्ड कांसेप्ट. इंडिया में पहले कितने 700 रियासत थे ना छोटे छोटे. ठीक है, मतलब भाई सिंपल सी बात है. डू यू थिंक कि मतलब एजुकेशन की बात हम लोग बात कर रहे थे कि 60 ईयर से एजुकेशन हमारा ऐसा है और वैसा है, इसी एजुकेशन ने इतने आईआईटीएस दिए ना. इसी एजुकेशन के दम पे आपके आज वर्ल्ड के टॉप गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ट्विटर हो, इसके लीडरशिप इसी एजुकेशन पे है ना, इसी एजुकेशन पे है ना. हाउ कैन यू डिनाई दैट आवर एजुकेशन हैज बीन सो बैड दैट इवन मतलब सो बैड एंड वी आर रूलिंग ऑल द टेक कंपनीज, वी आर ऑलमोस्ट एट द सीईओज लेवल. नहीं बेटा नहीं 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 तुम समझे नहीं तुम समझे नहीं. तो उनको दे डोंट हैव द सेम एक्सपोजर एज अदर पीपल इन द सिटीज ना. व्हेन आई केम टू आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, माय फादर वाज नॉट अ पुअर पर्सन, डिसेंटली मिडिल क्लास फैमिली. आई केम टू आईआईटी बॉम्बे, माय फादर वाज वेल ऑफ टू पे माय होल कैंपस फीस. आई डिडंट टेक अ पेनी फ्रॉम माय पेरेंट्स. आई टुक द लोन, इट वाज 3.65 लाख, 5 साल की पढ़ाई का. आई पेड इट ऑफ इन 2011 वन गो. ठीक है, आई लर्न हाउ टू सेव मनी इन फर्स्ट ईयर एंड आई वॉज डूइंग जॉब. देन आई गॉट इन टू अ गुड हैबिट. आई कुड सेव सम बिट ऑफ मनी. ऐसे दुनिया में हर जगह होता है. ठीक है, नाउ आप लोग जो कह रहे हो इंसेंटिव्स एंड ऑल, उन छोटे बच्चे जो शहर गाँव के होते हैं, और शहर की बात कर लूँ मैं, शहर की बात कर लूँ, गाँव की बात करूँ, आपको सिंपल एग्जाम्पल दिया फैशन स्ट्रीट का. हम में से कितने लोग हैं, मतलब मैं खुद नहीं कर पाता भाई, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ. कैंपस में था तो मैंने किया था, मैं छोटे छोटे गांव में जाके कैंपस के थ्रू पढ़ाया था, बट नहीं कर पाते ना हम लोग. हम लोग बातें कर सकते हैं बट हम लोग नहीं कर पाते हैं चीजों को. छोटे शहरों में पढ़ाई एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक चीज है. हम लोग को लगता है ना कि आईआईटी एलाइट है और ये है और वो है, मतलब क्या आईआईटी सही में इतना टफ है? मैं नहीं मानता हूँ. जो छोटे बच्चे हैं शहरों के गांव के,
वहां पढ़ाई पहुंचती नहीं है, वहां पढ़ाई नहीं पहुंचने का क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है बताओ? आप कहोगे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, है? आप कहोगे गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं है, वैसे फीस ये आपके जानते हो सैलरी कितनी होती है गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स की? सबसे ज्यादा 35 से 50,000 होती है। वो टीचर्स वहां पर नहीं रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता ना, क्या बेटा कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता है ना, क्योंकि वो लोग गरीब है इसके लिए कोई भी नहीं। नहीं बेटा, उनका स्कूल है, टीचर्स हैं, टीचर को पैसे मिलते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, बट वो पढ़ाते नहीं है वहां पर, वो शहरों में वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो एथिकल नहीं है सर, कोई ध्यान नहीं है नहीं उन लोग पे। लेकिन वहाँ पर लोग भी अवेयर रहेंगे तो टीचर्स को भी बोल सकते हैं। क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे बोलो? बच्चे भी बोल सकते। तुम कोचिंग वर्ल्ड में आओ ना, अबे सुनो तने, तुम कोचिंग वर्ल्ड में आओ ना, तुम लास्ट ईयर पढ़े रहे लोगों से मैथ्स, मतलब तुम कोचिंग में पढ़े रहे में लास्ट ईयर पढ़े मैथ्स पढ़े तुम? अरे मैथ्स लास्ट ईयर मैथ्स पढ़ाया गया ना? नहीं पढ़ाया गया। हाँ सर, हाँ। क्या पढ़ा दिया गया? अभी तुमको डिफरेंस लगता होगा? हाँ सर। डिफरेंस लगा? जबकि मेरी ओर से स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन रहती है कैसे पढ़ाना है बच्चे को, फॉलो नहीं हो पाया, बंदे को तो सैलरी मिली। अभी इस बार का एग्जाम्पल ले लो यार, तुम KSP सर का एग्जाम्पल ले लो यार, हाउ मच एथिकल ही इज। He said कि सर मेरे घर में पापा में तबियत खराब है, मुंबई शहर में ऑफलाइन डाउट नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है फाइन, उन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया, एन मौके पे कहते हैं हमको अब इतना दोगे तो हम सिलेबस पूरा करेंगे, एथिकलनेस है क्या? हम तो बड़े शहर की बात कर रहे हैं, छोटे शहर छोड़ ही दो, तुम क्या कर लेते? लास्ट ईयर मैथ्स में तुम लोग को गड़बड़ ऊपर नीचे चीजें हुई ना, तुम लोग क्या कर लिए? तुम लोग बोलने आए, जब बोलने आए सेंटर पे क्या समझा दिया गया चले गए, हुआ कि नहीं हुआ? जब बड़े शहर में नहीं हो पाता है, छोटे शहर में कौन बोलता है बेटा? कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। और बाहर में एक बात मैं मानता हूँ अभी भी US में जो मुझे अच्छी लगती है, आपको पढ़ाई करनी है ना, आप लोन लो, लोन सपोर्ट पूरा है, वो अच्छा लगता है मुझे। लोग भले 5 साल 10 साल तक लोन पे करते रहते हैं पढ़ाई का, बट लोन मिलता है पढ़ाई करने का। हम कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ो आप लोग, पढ़ो बुक्स, पढ़ो बुक्स, पढ़ो। कोई एक बंदा है कोई चीज, मैं बस एक चीज कहता हूँ सभी बच्चों को तुम्हारी एज में, अगर मैं कुछ कहता हूँ ना मेरी बात मत मानो, और 10 जगह से पढ़ो और 15 जगह से पढ़ो, जितना पढ़ोगे जितनी चीजें सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। डोंट ट्रस्ट 1% लैंग्वेज। और एक बुक बताता हूँ मैं तुमको 70-80 पेज की, जब इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म हो जाए तो पढ़ना, एनिमल फॉर्म करके बुक है, 70 पेज की बुक है, पढ़ना है इसको। बोलो। हाँ सर, नोवेल है। तो जॉर्ज ऑरवेल वाली। हाँ सर। जो लोग पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? That is how people are always manipulated। हाँ सर, इसके ऊपर एक ट्विटर में किसी ने तो ये भी किया था ना, किसी एक्ट्रेस कुछ ने, कुछ तो अजीब ही लिखा था। ट्विटर फिटर छोड़ो यार, वहाँ पे आधे अनपढ़ गवार, किसी को कुछ पढ़ना नहीं है, Nobody cares क्या चल रहा है, कहना आसान होता है सब कुछ। मैं एक सिंपल सी चीज जानता हूँ, अंग्रेज भारत में 200 साल थे, ठीक है, 10,000 अंग्रेज 200 साल भारत में थे, तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े अच्छे, हम बहुत एथिकल लोग हैं, हम सब लोग अपने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों के साथ कभी न कभी थे, ठीक है? और यूनिटी का सवाल ही नहीं उठता है जब हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि कुछ लोगों को हम घर में नहीं बैठने देंगे, कुछ लोगों को हम घर में पानी नहीं पीने देंगे, तो वैसी स्थिति में वो तो ऑब्वियसली अंग्रेजों के साथ रहेगा ही ना। दैट वाज द वॉर इन 1820, ठीक है, पढ़ना उसको सर। तो ये ठीक नहीं होगा क्या? क्या कभी ठीक नहीं होगा? आप लोग ठीक कर सकते हो, आपकी जनरेशन, योर जनरेशन सर, बट जितने अच्छे उतने खराब भी तो रहेंगे ही ना। हां सर, यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू मेंड द ब्रिजेस, यू नीड टू टॉक टू देम, बात करो, समझाओ लोगों को, समझाओ लोगों को, समझाओ। तो समझाएंगे तो, लेकिन उनको समझना भी तो चाहिए। नहीं, अगर हम सब लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स को समझा लें, सबके घर सही हो जाएंगे, ठीक है? जो पहली प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है, हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, हमारे रिलेटिव से स्टार्ट होती है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट होती है। आप वहां पे कितना लड़ सकते हो, लड़के देखो, समझाओ। आपको फाइनली एक डांट मिल जाती है इंडिया में, फाइनली
सब बड़े हैं ना, तुम बदतमीज हो क्या, बड़ों से ऐसे बात कर रहे हो। अब इसके बाद हम लोग चुप हो जाते हैं, बिकॉज हमारा संस्कार है कि हम पेरेंट्स से रिवर्स नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है, लड़ो समझाओ, तुम्हारी जनरेशन है, ठीक। तो कुछ नहीं होता ना बेटा, समय समय के साथ चेंज होती है चीजें। इट विल टेक टाइम टू टेक ह्यूज टाइम यार, बहुत टाइम लेगा। कम से कम इतना तो है ना अभी कि एटलीस्ट बड़े शहर में तुम घर में मतलब पानी वानी सब कुछ दे देते हो ना यार। हाँ सर, इतना तो है ना एटलीस्ट। घरों में तो कोई आता है फिर पूछते हो भाई, नहीं पूछते ना, छोटे शहरों में आज भी होता है। एनीवेज ये बुक अच्छी है, पढ़ना चाहिए। सर लॉ अपने अलग जगह है और कम्युनिटी अपने अलग जगह है। जैसे देखा जाए डाउरी का फॉर्म, सबको मालूम है डाउरी देना गलत है, लेकिन एक कम्युनिटी उसको प्रमोट करती ही रहती है ना। तो एक कम्युनिटी नहीं करती है, एक कम्युनिटी नहीं करती है। डाउरी का रीजन क्या था? सो दैट द गर्ल वुड स्टे हैप्पी एट दैट प्लेस। नहीं 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 नहीं, डाउरी ओरिजिनेट कैसे हुआ था? ग्रीड की वजह से। नहीं बेटा, डाउरी का बेसिक रीजन क्या था? सर एकदम पहले मतलब किंग्स को एम्पायर जीतना रहता था। एम्पायर तो जीतना रहता था। डाउरी का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होता है? देखो क्या होता है कि जो रिच होते हैं दुनिया में, रिच हमेशा रहे हैं, पुअर हमेशा रहे हैं। हाँ सर। रिच को शो ऑफ करना है। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा दिया उन्होंने स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है। जब आप कोई बहुत बड़ा बंदा कोई चीज करता, आप देखो ना पहले आई डोंट नो, अभी आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, आप लोग बहुत छोटे भी हो, मतलब देखो कैसे सिस्टम में चीजें इनग्रेंड होती हैं। जैसे पहले पहले डॉरी रिच लोगों के थ्रू ही जाती थी, धीरे 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 सबको वो हैबिट होती है, उनको दिया गया, उनको दिया गया। अब धीरे धीरे गरीबों में आ गई, जब गरीबों में आ गई, इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम, इट इज बीइंग फोर्स्ड। आप सिंपल एक इशू देखो ना, जैसे ये होता है पंजाबियों में एक फेस्टिवल होता है संगीत समारोह शादी के पहले, ठीक है, पंजाबी कम्युनिटी में होता है, बाकी जगह नहीं होता था पहले नॉर्थ में। तो अब धीरे धीरे 10 साल से धीरे धीरे चेंज होते 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 अब हर जगह होगा। तब शादी हैज बिकम अ 3-day फेस्टिवल, एक दिन संगीत, पहले नहीं होता था ये। धीरे 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 पंजाबी कम्युनिटीज होते 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 बाकी सारी कम्युनिटी में घुस गया। डॉरी बैड है, लेकिन डॉरी का स्टार्ट जानते हो कैसे होता है? जैसे तुमने एक बच्चे ने कहा ना, वो सर अपने में प्राउड फील करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, किस चीज का प्राउड फील करते हैं? कौन सा प्राउड फील करते हैं? आप जो इस लाइफ में किए आप उसका प्राउड फील कर सकते हो। अपने बर्थ को लेके प्राउड मतलब थोड़ा इलॉजिकल नहीं है क्या? हमने कुछ किया नहीं, हम प्राउड फील कर ले, तो वो चीजें थोड़ा सा हो जाता है। और पढ़ो चीजों को। तो ऐसे तो जो इंडियन टीम स्पोर्ट्स टीम जीते तो हम लोग तो प्राउड फील करते हैं ना कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है। तो ऐसे तो हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ मतलब कि हम इंडियन है, वो इंडियन है, उन्हें इंडिया के लिए खेला, तो हमें क्यों प्राउड फील करना चाहिए उनके लिए? हमने तो कुछ किया नहीं, ना उनके प्रैक्टिस में साथ दिया। वेरी गुड क्वेश्चन, यू आंसर योरसेल्फ। वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आंसर्ड फ्रॉम योरसेल्फ। योर माइंड इज सेल्फ सफिशिएंट एट दिस मोमेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई डू यू फील एक्साइटेड व्हेन इंडिया विंस? नहीं, वो लोग जाते ही इंडिया को रिप्रेजेंट करने ना। व्हाट इज इंडिया? नेशनलिटी। हु डिफाइंस? कॉमन एग्रीमेंट। फ्रॉम हूम टू हूम? पीपल। व्हाई? सबके बेनिफिट में होता है। क्या बेनिफिट है इसका? इंडियन नेशनलिटी तो बर्थ से डिफाइन, कोई सबके कॉमन मतलब जितना जनरलाइज्ड कल्चर है और जो नॉर्मल। डू यू थिंक एक्चुअली इंडिया का, इंडिया का जनरलाइज्ड कल्चर, इज इट पॉसिबल इंडिया का जनरलाइज्ड कल्चर? आई डोंट थिंक सो। मतलब इफ महाराष्ट्र वुड हैव बीन अ कंट्री, इट वुड हैव बीन रिचेस्ट कंट्री ऑलमोस्ट इन वर्ल्ड। Why should Maharashtra support Uttar Pradesh or Bihar? Why? Yeah, larger scale. Why larger scale? Who defines larger scale? It's all politics. It's all clear cut. It's all politics. I don't think कि मतलब कहीं से कुछ भी, India is a lose Europe यार. India is a lose Europe. How does it become? और ठीक है ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब it's all become मतलब
या आप खुद आंसर करो कि व्हाई डू यू फील मतलब एक्साइटेड व्हेन इंडिया विंस. आई फील एक्साइटेड व्हेनेवर समबडी प्लेज गुड. इट डज नॉट मैटर टू मी कि वो किस कंट्री का है. इट डज नॉट मैटर टू मी वो किस कंट्री का है. इंडिया विंस मन में बचपन से पढ़ाया गया है हमको. इंडिया विंस तो हमको है. जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें पढ़ाई करते बहुत टाइम जा रहा है. आप कहीं से जाते हो, रास्ते में मंदिर पड़ता है, ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद नहीं होती है, सर नहीं झुकता है. ऑटोमेटिकली नहीं होता, अंदर जाते तो होता है. मतलब अंदर नहीं जा पा रहे हो, मंदिर के बाहर से हो तो मतलब हो जाता है. हाथ जोड़ लेते हैं. हां सर, क्यों होता है वो? बहुत ही बचपन से सिखाया जाता है. और वही होली प्लेस तुम लोग मतलब वही होली प्लेस कुछ लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है. कुछ लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है, वो सही है क्या? और ऐसा नहीं है कि आज बंद नहीं किया जाता है, आज भी बंद किया जाता है. आज भी बहुत जगहों पे होली प्लेस कुछ लोगों के लिए बंद रहता है, कुछ के लिए नहीं, कुछ लोग बहुत लोगों के लिए बंद करके रखते हैं. इट्स ऑल डिफरेंट थिंग्स सर. फिर बचपन से ही वैसे ही इनकल्केट करना चाहिए ना, बट वो करते नहीं है ना. करेंगे तो हु इज एट रिस्क, व्हाट इज एट रिस्क, द सोशल फैब्रिक. आप स्कूल में पढ़ते हो ना? हाँ सर. 7th, 8th, 9th, 10th में आपके क्वेश्चन पूछने की कैपेबिलिटी को क्या किया जाता है? रोका जाता है, खत्म कर दिया जाता है. खत्म कर दिया जाता है ना. प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि खत्म किया था. आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, अगर मुझसे नहीं बन पाता है, आई एम हम्बल एनफ, मैं बोलता हूँ मैं बना कर देता हूँ वापस. ये सेम चीज स्कूल का टीचर क्यों नहीं कर सकता सर? वो दे स्टार्ट बिकमिंग रूड. Why? उनको लगता है कि इतने छोटे होके हम कैसे उनको सही करने के जवाब नहीं है. आप रूड कब होते हो? आप घर में पापा मम्मी से चिढ़ के कब बोलते हो? जब उनके सवालों का जवाब नहीं होता. जब उनके सवालों का हमारे पास जवाब नहीं होता, हम बोलते हैं अरे हम कर लेंगे जवाब, ऐसे बोलते हैं ना. दैट इज द कल्चर विच वी नीड टू क्वेश्चन. वी शुड क्वेश्चन एवरीथिंग. बस एक चीज, लाइफ में क्वेश्चन करो ना एवरीथिंग को. बट तुम करोगे नहीं ना, 5-6 साल बाद जॉब में जाओगे, वी विल यू आल्सो बिकम द सेम इंडिया. नो, कोई अंतर नहीं पड़ता है सर, क्योंकि दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स नाउ. व्हाट कैन यू डू? अकेले क्या कर सकते हो? गांधी अकेले ही था भाई. सर, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, जो वो दूसरों को देख के फॉलो तो करेगा ही ना. समझे बेटा विदुषी, कि गांधी को क्यों बड़ा मानता हूँ मैं इतने लाइफ. मतलब मैं एक वक्त ऑलमोस्ट यूज टू से कि गांधी क्या है यार, टाइम पास हो गया ऐसा वैसा. समझो, वायलेंटली मैं सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज सिस्टम उस पर फुल अटैक से आ जाएगा. ठीक है, लेकिन जब मैं नॉन वायलेंटली करता हूँ तो दुनिया में एक ह्यूमन माइंड, कितना भी घटिया होना ह्यूमन माइंड, उसके अंदर एक गिल्ट होता है. जैसे स्टालिन था या हिटलर थे, लोग बहुत ही घटिया प्राणी थे, बट एक गिल्ट होता है अपने को अच्छा दिखाने के लिए. तो इन लोगों ने क्या किया था, मीडिया खरीद ली थी अपने कंट्री की. मीडिया में अपने बारे में अच्छा छपाते रहते थे. बिकॉज भाई मैं कितना भी घटिया इंसान हूँ, मैं रोज अपने बारे में थोड़ा पढ़ना पसंद करूंगा, अरे यार ये घटिया हूँ. नहीं, आई वुड लाइक टू. पहले के जमाने में राजाओं के दरबार में एक बंदे हुआ करते थे, याद है, विदूषक. हाँ, जो कि जिनका काम क्या होता था, हसाना और राजा की तारीफ करना. एवरीबडी लाइक्स अप्रिसिएशन. ठीक है, वही फंडा रहता है बस. तो सिस्टम को चेंज करने के लिए you have to be non-violent, but you have to be always trying. You cannot leave trying. Try करने में क्या आता है? अगर हम एक बंदे को भी लाइफ में समझा सकते हैं, हम एक बंदे को भी, तुम सोचो ना, मतलब तुम जस्ट थिंक ना, कहना कितना आसान होता है कि लोगों की ये हेल्प करो वो हेल्प करो, बट इज वेरी डिफिकल्ट ना लाइफ में खुद कर पाना. जैसे तुम्हारे मर्चेंट ऑफ वेनिस में लाइन है ना, जो तुम कल लास्ट मैंने बात छेड़ी थी, याद है, कि हर बंदा अपनी कही हुई बात को फॉलो कर ले तो चर्चेस की जरूरत क्या पड़ेगी. सेम चीज है, हम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम में से सब लोग 10-2% भी फॉलो कर लें, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी यार. हम फॉलो नहीं कर पाते ना हम लोग यार, दैट इज द प्रॉब्लम. हम पढ़ाई करते हैं बहुत, टाइम से लगे पढ़ा दो भाई. ठीक है, लर्न बुक्स पढ़ो, अच्छा रहेगा. ठीक है, हम लोग 3 सेट तक पढ़े ना, कहाँ तक पढ़े, प्रोजेक्शन रूल तक पढ़े ना हम लोग. हाँ सर, नेपियर एनालॉजी भी पढ़े. नेपियर एनालॉजी पढ़ ली है तो 4 हो गए ना. 5वें पे आते हैं, हाफ एंगल. हाफ एंगल इज अ सेट जो कि जरूरत पड़ती है अच्छे खासे ढंग से, तो मैं उसको लिख रहा हूं और आपको
सेमी पेरिमीटर के बारे में आइडिया है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू सेमी पेरिमीटर, मालूम है? यस। तो जो हाफ एंगल में फॉर्मूलेज है मैं वो लिख रहा हूँ, और पता नहीं मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग कर सकते हैं। आप, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है? आप फॉर्मूले की सिमेट्री को जज करिए और मुझे बताइए कि साइन बी बाई टू क्या होगा। एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। आपने क्या जज किया सिमेट्री में? हाँ, उसके अलावा दोनों है, राइट? यहाँ पे क्या होगा बताइए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस बाई ए बी, ये क्या है? हाफ एंगल। कॉस बी कॉस ए बाई टू, मैं लिख रहा हूं, आप बाकी दो मुझसे लिखवाइएगा। बोलिए। तो टैन बताइएगा। S minus A into S minus C by S into S minus B. S minus A into S minus B. S minus A into S minus B upon S into S minus C. यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes. आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है ये साइन ए बाई टू वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये कैसे प्रूव होगा? साइन ए बाई टू कहाँ देखे हो आप पहले लाइफ में सबसे पहली बार? साइन ए के फॉर्मूला नहीं, हाँ वहां नहीं, लेकिन फिर ठीक है, साइन ए बाई टू साइन ए के फॉर्मूला में देखी है तू, ठीक है, लेकिन वो फायदा नहीं है तेरे को, और कहां sin a by 2 का फॉर्मूला देखा है तुमने, बता? cos a, तेरा नेटवर्क खराब है क्या? sin square a by 2 क्या होगा बता? 2 sin square a by 2 1 minus cos a by 2। अरे बहन दो दो बार 2 लगाएगी क्या? दाएं भी बाएं भी, सॉरी cos a क्या होता है? मैं जानबूझ के स्टेप कर रहा हूँ, इसमें आपको एक मैं मैनिपुलेशन दिखाऊंगा। ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है बताओ तो? बी माइनस चमका? Yes, sir. यहां तक कोई मतलब तूफान नहीं खड़ा हुआ है, इसके बाद थोड़ा सा मैं तूफान खड़ा करूंगा जो आपके लिए काम का है मैनिपुलेशन। यहां तक कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। ठीक है, अब आप मेरा एक काम देखना, मैं इस चीज को ना स्पेशली एक तरीके से लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी। क्यों लिखा है कोई बता सकता है? एस बन गया एस बनाने के लिए। तो ये जो एस बनाने का जो सिस्टम दिखा है ना मैं आपको, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो रहा है? तो ये एस माइनस टू बी, हाँ, और ये एस माइनस सी, राइट, और यहाँ पर टू
बी सी और एक और टू आ गया राइट सर। अरे आई डोंट नो यू आर क्लियर और नॉट क्लियर है बच्चों तो बेटा क्लियर है ये और ये कट गया और ये और ये कट गया ठीक है तो क्या प्रूव हो गया बेटा साइन ए इक्वल टू रूट एस माइनस बी एस माइनस सी। अरे बहन साइन ए बाई टू बेटा एस माइनस बी टू एस माइनस सी बाई बी सी। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। अब इस फॉर्मूले को आपको याद करना है आप कॉपी करिए और मेरी बात मान के पांच फॉर्मूला और है ना वन का बी वन का सी टू का ए बी सी है ना टू का ए बी सी कर लोगे प्रूफ? चलो प्रूफ करो अभी दिया आपको 15 मिनट एटलीस्ट कॉपी कर लो और टू का ए प्रूफ करो खुद से देखो तो होता है क्या नहीं होता है तो मैं हूं जो तो वन और टू कॉपी करो या टू का फॉर्मूला देखो तो प्रूव कर पाते हो क्या होना चाहिए प्रूव मेरे ख्याल से हो गया सर कर लेना सबको 5 मिनट दिए इतने लोग क्लास में बैठे हैं तो कर ही रहूंगा भाई कॉस वाला हुआ क्या बेटा कॉपी कर अच्छा हुआ नहीं अभी हो गया इसने कहा ना कॉपी कर रही है अभी करके
हो गया सर. सबका हो गया कॉस वाला? यस हां सर. हां सर. क्या भाई विदुषी हो गया कॉस वाला? नहीं हुआ सर, अभी शुरू किया है, 2 मिनट पीछे. अरे लैपटॉप का चार्जर दो ना प्लीज. कहाँ है लोग? बारिश बंद नहीं क्या अभी तक? हाँ जल्दी जल्दी तो ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर. और सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? यस जल्दी तो चार्जर बंद जाने के लिए. नहीं चार्ज नहीं हो रहा. चार्ज नहीं हो रहा ऑन तो करो. हाँ होने वाला, छोड़ दो. हाँ हो रहा है, हो रहा है. अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग को एरिया का आता है ट्रायंगल का, क्या आता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट क्यों होता है फॉर्मूला? तो एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेसिक फॉर्मूला. तो ए बी सी, तो अगर ये हाइट है आपका AD, तो आप देखोगे तो ये अगर C है तो ये क्या है? A है. तो हाइट क्या होगा? ये B है ना? तो हाइट कितना आ रहा है बताओ? C sin B. तो एरिया को जनरली डिनोट किया जाता है, एरिया आ जाएगा देखो हाफ इंटू C साइन B है ना, और इंटू A. ठीक है? अरे हाँ ना. Yes, कितना आ गया? हाफ ए सी साइन B. अब ये एक मेमोराइजेबल फॉर्मूला है. हाफ देखो A C आर्म्स और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दी आर्म्स, ये बात चमकती है. दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? हाफ ए बी, फॉर्मूले की फील आ रही है? आर्म्स और आर्म्स के बीच का एंगल का, आर्म्स और आर्म्स के बीच के एंगल का, आर्म्स और आर्म्स के बीच का एंगल का साइन का प्रोडक्ट सी साइन ए. क्या आ गया? एरिया का फॉर्मूला. एक और
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अरे हेलो, हाँ ना, हाँ सर। यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक नोट आता है खड़ा होके, अगर हम ध्यान देंगे तो आप देखोगे कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए सी। साइन बी क्या होता है बेटा? साइन रूल से बी बाई फोर, तो क्या आ गया? डेल्टा इज इक्वल टू एबीसी बाई फोर। एबीसी बाई फोर। यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं। अब हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ बचपन में किए होगे ना तुम? तो नहीं किए हो? नहीं सर। नहीं। क्या बात कर रहे हो, तुम हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ नहीं किए बचपन में? नहीं सर। नहीं सर। तुमने मान लिया कि होता है फॉर्मूला? हाँ। अब डूब मरो यार। क्या है यार, कैसे पढ़ते हो तुम लोग भाई आजकल बचपन में यार? मतलब अरे तो यार, बताता नहीं था। मतलब पूछना होता है लोगों का जान, ऐसा नहीं होगा यार, पढ़ाएगा होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। मैं तो डिफरेंट ढंग से कर रहा हूँ अभी वाले तरीके से, मतलब यार, मतलब सीरियसली नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाते नहीं है। साइन सी क्या होता है बताओ? साइन सी एस माइनस बी। अब तो ये तो बेकार तरीके से बता रहा हूँ मैं तो प्रूफ, तो क्या तो धोखा दे रहा हूँ मैं अभी तुमको? तो तुम लोग सही बचपन, तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, तुम लोग को याद नहीं पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाते सर। तो पहले तो फॉर्मूला देख के डर गए सर। हाँ सर। यार ये तो बहुत ही घटिया प्रूफ है, तो मतलब किसी को तुमने पढ़ा होगा यार? फिर उस फॉर्मूला किसी को प्रूफ नहीं आता है प्रॉपर प्रूफ? नहीं सर। भाई चलो ठीक है, कॉपी करो इसका तुम यार। मेरे को एक और दे रहे हैं, एक और होता है फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू आर एस। यहाँ पे डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आर क्या है मालूम है? कि आर छोटा आर क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है? इन सेंटर का रेडियस। कैसे बनता है इन सेंटर, किसको मालूम है? एंगल बायसेक्टर। एंगल बायसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाल ये जो पीली सर्कल है ये क्या है? इन सर्कल की जो इन सेंटर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है। हाँ क्यों रहता है सेम डिस्टेंस पे? रेडियस नहीं, ये तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे क्यों रहता है इन सेंटर? एंगल बायसेक्टर के तीनों के यस एंगल बायसेक्टर पर रहता है। ठीक है, एनीवेज तो ये ट्रायंगल एबीसी हो गया है ना, और ये आई हो गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ आईएसी प्लस हाफ आईबीसी प्लस हाफ, बोलो भाई, आईएबी चमकता है क्या? तो हाफ आईएसी का एरिया क्या होगा? हाफ आर इंटू एसी लेंथ कितना है बी आईबीसी। यार कोई बोल ही नहीं रहा, सब चुप हो गए, डर गए सब लोग अब। हाफ और हाफ आर इंटू सी चमका, तो आर बाहर ले लिए, क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, क्या हो गया? आर एस। डेल्टा इक्वल टू आर एस। ये क्लियर है क्या फॉर्मूला है जी? अरे हेलो, हाँ है ना, क्लियर है? नहीं क्लियर है? काफी पॉइंट फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू आर एस। कॉपी करिए, सर थोड़ा जूम आउट कर दो ना। जूम आउट मतलब क्या करूं? मतलब सर थोड़ा ऊपर का भी देख।
बारिश बंद नहीं हो रही यार। हेरॉन्स फॉर्मूला का प्रॉपर प्रूफ कैसे होता है? तुमने अपने टीचर से नहीं पूछा तो उनसे उनको जो पैसे दिए थे वो लेके आओ फिर बात। अरे ज्योमेट्री लगाओ ना, बेसिक ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाफ बेस इनटू हाइट मानती है? हाँ सर। वहीं से लगा कोई सोच? पाइथागोरस थ्योरम मतलब तो काफी हिंट दे दिया मैंने। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो पार्ट में बांट। ओके सर। पाइथागोरस आ सकता है, फिर दो ट्रायंगल का एरिया का सम हो सकता है, कॉमन वॉमन निकाल सकते हैं, कुछ तो हो सकता होगा। उसको डिटरमिनेंट से भी प्रूव करते हैं। डिटरमिनेंट तो बाद में है ना बेटा। बेसिक जो प्रूफ है ना इसका तुम्हारा, वो ले आओ। तो मैंने 9th-10th में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी बुक से पढ़ा था लेकिन कुछ समझा ही नहीं था। कौन है भाई ये? जितना मुझे याद है जब मैं पढ़ा था तो जितना मुझे आता है कि मैंने पाइथागोरस से तो पढ़ा था, तो होना चाहिए पाइथागोरस से। सर सिखाते हैं क्या बेटा? सर सिखाते हैं ट्रायंगल एबीसी लो, उसमें एक एल्टीट्यूड खींचो, मुझे नहीं फिर एक्स प्लस वाई एक एक होना चाहिए स्कूल में। वैसे पता नहीं कैसे कर लो, नहीं है नहीं है, तुम क्या कर सकते हो। चलो आरडी शर्मा भी नहीं दिया वो। अबे आरडी शर्मा भगवान थोड़ी ना, फ्रॉड बुक एक नंबर की। इंडिया की आधी मैथ खत्म कर दी बंदे ने, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाल दिए। है थोड़ी ना होता यार, मैथ्स की बैंड बजा दी तुमने यार, मजाक बना दिया पढ़ाई को। सिंपल पाइथागोरस से प्रूफ हो जाता है, जिस तरीके से हम लोगों ने कोसाइन फॉर्मूला प्रूफ किया ना। बस वही हिंट है बालक, वही हिंट है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक है वहीं से लगाओ, वहां हमने नीचे में एक वाले लेंथ को कुछ माना था ना, वहां से लगाओ बन जाएगा पाइथागोरस। ट्राई विद पाइथागोरस। और इतना क्लियर है क्या? यस यस। आपने कॉपी कर लिया नहीं किया? एक मिनट सर। अब इसने बात छेड़ दी है ना, मतलब टाइम नहीं है मेरे पास, बट क्या बोलूं, कर नहीं पड़ेगा लग रहा है। डन सर। कॉपी कर लिया जी? हाँ सर। देखो भाई ये ट्रायंगल एबीसी है बालक, ठीक है, हम लोगों ने कोसाइन फॉर्मूला कैसे किया था याद आ रहा है? यहाँ से तुमने क्या खींचा था? परपेंडिकुलर। तो तुम एच मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको क्या मानोगे? ए माइनस एक्स मान लोगे। यहाँ तक क्लियर है? अभी एच, अभी यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा बालक? ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा बालक? बी स्क्वायर। व्हाट इज योर एंडेवर? हाफ इंटू एच इंटू ए H into, हमको निकालना क्या है फिर? H H कैसे निकालेंगे बताओ? इन दोनों इक्वेशन से H नहीं निकाल सकते? निकाल माइनस करो बे,
क्या कह रहे हैं लोग? अरे हेलो सर, x स्क्वायर दोनों को माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा ना? हाँ सर। तो माइनस करो x, माइनस करो, कितना आ रहा है? अरे अभी हम ही निकालें क्या? पगला गए हो क्या तुम लोग? दिमाग खराब हो गया अभी। c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चलो हम ही निकाल लेंगे, तुम लोग से भी निकलता है तो a स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर और माइनस वो आ जाएगा, कितना आएगा? माइनस ए स्क्वायर और प्लस टू ए। चमकता है क्या बे? हाँ सर। एक्स कितना आ गया? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए। क्यों निकाले एक्स? क्योंकि एच निकालना है। एच कैसे आएगा? इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट। सी स्क्वायर माइनस एक्स तो कितना आ गया एच बाई? सर एक्स स्क्वायर है ना? यही करेगी ना? हाँ सॉरी सॉरी। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। क्या आ रहा है एच स्क्वायर बताओ? हमने आपको पहली चीज क्या सिखाई इलेवेंथ में? कभी भी ऐसी कैलकुलेशन होती है तो क्या करते हैं हमेशा? ई माइनस। एकदम दुखी हो गए यार तुम लोग, यार दुखी हमको भी कर दोगे यार। अरे सिखाया कि नहीं सिखाया इलेवेंथ में? पहली चीज क्या करते हैं? नहीं सिखाया मैंने? हेलो। अरे भाई हेलो। हाँ सर। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो ये क्या बन गया मैनिपुलेशन? अभी तो देखे थोड़ी देर पहले दिखाया होता तुमको मैनिपुलेशन, क्या बन गया ये? बी स्क्वायर माइनस ये तो बन रहा है लग रहा है हीरोज फॉर्मूला। यहाँ क्या बन गया? क्या बे बना कि नहीं बना? बन रहा है। अभी भी नहीं बोलोगे क्या? एच कितना हो गया? एच स्क्वायर। अब इसके बाद फिर अगला क्या करेंगे? वापस से वही कहानी। कौन सी कहानी? भाई झांसी वाली रानी वाली कहानी और क्या? हर बार वही करना है ए माइनस बी वाला सिस्टम, बात समझ में आती है? हाँ सर। भाई यहाँ पे क्या आएगा भाई? ए प्लस सी माइनस बी। अरे यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस सी प्लस बी। ए प्लस सी प्लस। निकालो पैसे टेंथ वाले टीचर के सारे मुझे दो, ठीक है? इतना क्लियर है? अभी मैंने क्या, अभी आपको क्या सिखाया मैंने? मैनिपुलेशन कुछ कहा था ना मैं थोड़ी देर पहले? तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा बताओ? ये वाला टर्म क्या बनेगा? ए माइनस टू एस माइनस टू ए। ये वाला 2s minus 2c। ये वाला 2s minus 2c minus 2b minus 2. ये वाला 2s minus 4a square 4a square 4a square। भैया स्क्वायर रूट ले ले। हाँ सर। हैं एच कितना आ गया? पता ही नहीं कितना आया एच। ऊपर में कितना बन गया? ऊपर में 16 बन गया ना? 16 4 4 2 बाहर आ गया बे, है ना? और s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस, और अब इंटू हाफ इंटू ए करोगे ना भाई साहब? अरे हाँ या ना बे? हाँ नीचे में तो ये है। अरे प्रूव हो गया फॉर्मूला? हाँ सर। बहुत साल बाद प्रूव किया मैंने, बहुत साल बाद प्रूव किया मैंने। भाई बिना कोई मतलब प्रूफ के फॉर्मूला एक्सेप्ट करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था मेरे लिए बचपन में, मैं तो मान ही नहीं पाता था। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। चलो अब इसमें हम टाइम नहीं खराब करेंगे। और इतना क्लियर है निकले सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है तो आप फिर क्वेश्चन प्रूफ करिए मेरे लिए। cot a by 2 वो डिफरेंशियल वाला होमवर्क अगर हो गया हो तो फिर अपन डिस्कस कर लेने इस क्लास में ना। अरे किसका माइक खराब है? जब बोल रहा है ना पूरी क्लास की बैंड बजा रहा है बंदा, कौन है ये?
बी प्लस सी माइनस ए कॉट ए बाई टू. जरा प्रूफ करिए, दो तीन क्वेश्चन दिए हैं. कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि हाफ एंगल ही लगाना है, तुम्हारी इच्छा है तुमको कैसे करना है. चलिए तीन क्वेश्चन प्रूव करिए. क्या कुछ भी हुआ क्या? अरे भाई हेलो, कुछ भी हुआ क्या? पहला वाला हो गया. बस फॉर्मूला पुट करना है, राइट इक्वल टू लेफ्ट करना है. सर बोलो. सर कल के एग्जाम के लिए मैं थोड़ा पढ़ लूं. हाँ पढ़ ले. आप कितनी देर और क्लास लोगे? अरे बस एक क्वेश्चन खत्म कर देंगे. ठीक है तो फिर सर मैं जाऊं. हाँ बेटा ठीक है. बाय सर. बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. कोई हड़बड़ी नहीं है, हो जाए तो बता देना. ठीक है. हाँ सर.
होना चाहिए, फॉर्मूला पुट करो बनेगा, भले 15 मिनट लगता है बनना चाहिए लेकिन बस इसमें एलसीएम लेना आना चाहिए। ठंड भी लग रही है यार। बाप रे, तुम्हारा माइक इतना खराब है, इतना खराब है ना, क्लास से भाग जाऊंगा मैं। एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करें, फिर आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर चलेगा? कुछ भी करो, चैप्टर में कोई अंतर नहीं पड़ता।
कैनेटिक हो गया लास्ट कर दो ये दूसरा थोड़ी देर पहले भी किया था याद आ रहा है क्या हाँ सर बी माइनस सी बाई ए तो पहले वाला जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है नहीं वापस से घुमा के डिफरेंट फॉर्म में है कि नहीं yes. अभी यहाँ पे तुम हाफ एंगल डाल के भी चाहोगे तो कर लियोगे फॉर्मूला डालो एलसीएम लेना आना चाहिए बस ठीक है मैं भाई करके दिखा दूं क्या थर्ड वाला थर्ड दिखा देता हूं मैं ऑब्वियसली जो कॉमन सेंस की बात है इसके एपी से ये प्रूफ करना बहुत मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा मैं उसका उल्टा लेके चलूं क्या मतलब क्या दिया हुआ है मुझे 210 v / 2 / इक्वल्स टू अरे भैया एचपी में प्रूफ करना है ना तो कैसे करोगे 1 / 10 v / 2 - 1 / 10 हेलो इज इक्वल्स टू 1 by 10 C अरे यार इसको एपी में लेना पड़ेगा ना मुझे आता है क्या थर्ड बार एचपी में लेने से किसी का थर्ड वाला आया क्या एचपी में लेने से एचपी में लेके हाँ सर आ गया एचपी में लेने से आ रहा है कि एपी लेने से आ रहा है एचपी से एचपी लिया है एचपी मेरे को डाउटफुल लग रहा है एपी आ गया एचपी सुना कैसे आ गया यार ठीक है चलो देखते हैं वन बाय टेन ए बाय टू ये एचपी एपी में है ठीक है चलो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ और मैं सोच रहा हूँ हो सकता है लेट्स सी एलसीएम क्या आएगा बताओ हाफ एंगल क्या आएगा बोलो S माइनस ए एस माइनस सी अरे चमक रहा है क्या और यहाँ पे क्या आएगा बोलो S इंटू एस माइनस बी माइनस बोलो S इंटू एस माइनस ए अब यहाँ पे सीखने लायक बात ये भी एक सीख सकते हो मेरे से कि मैंने वो वाला एपी वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया जो ट्वाइस वाला होता है मैंने डिफरेंस में यूज किया है उससे क्या होता है कई बार चीजें कट जाती हैं ठीक है और यहाँ पे एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया ना क्लियर है क्या यहाँ तक और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है S into S minus C by S minus A S minus B. वो डी वाला होमवर्क हो गया है कि नहीं हुआ अगर नहीं हुआ है तो बोलो अगर हो गया है तो ही मैं होमवर्क दूंगा इस चैप्टर का क्या इस चैप्टर का 10 क्वेश्चन दे देता हूँ ना डी वाला होमवर्क टफ है कुछ एक एक एक्सरसाइज काफी टफ है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब दिक्कत देंगी तुमको आई थिंक किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया अभी तक सो मिसिंग इन दिस हां अरे नैतिक तुमने जो क्वेश्चन पूछा था किसमें से पूछा था वैसे लगे हां इसमें एलसीएम लेने पे क्या बन रहा है बताओ एस माइनस ए S माइनस बी एस माइनस सी ऊपर में क्या आ जाएगा बोलो तो S माइनस ए और S माइनस S माइनस बी का होल स्क्वायर हाँ तो रूट एस तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा S माइनस बी माइनस एस प्लस ए चमकता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस सी माइनस एस माइनस बी क्लियर है क्या ये बात एस माइनस ए एस माइनस एलसीएम लेना ही मिलनी सीखना होता है इसमें ये और कट गया क्या आ गया एस और एस बी कट गया एस और एस बी कट गया क्या बच गया
ए माइनस बी इज इक्वल टू बोलो डी माइनस सी, तो क्या आ गया 2b is equals to a plus, जो प्रूव करने के लिए प्रूव हो गया ना, चमका गया। अरे ये क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाकी मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा इस चैप्टर से थोड़ा तो होमवर्क दे देता हूँ, अगर ये मजा नहीं आएगा बिल्कुल। कॉपी कर लिए, चल रहा है। अरे जिसको कॉपी करना है तो वन और ये कर दिया मैंने, टू थर्ड कर दिया, वन और टू भी करना है, कर लियो वन और टू, हाफ एंगल से कर लोगे, कर लो खुद से, होना चाहिए। हो गया सर। अगर नहीं भी होता है तो खुद से ही होना पड़ेगा, ठीक है सर। बोलिए सर, RM2 का आप रेगुलर लेक्चर कब से ले रहे हो? हाँ, उसमें अभी तुम लोग सर क्या पढ़ा रहे हैं? पीएनसी चल रहा है ना, तो अभी इस वाले बैच के साथ मैं आपका इस 15 दिन में ये दो चैप्टर खत्म करूंगा, कौन सा, SOT और ओनिक्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, SOT और कॉम्प्लेक्स खत्म करेंगे, ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा 1 से लेके 15 दिसंबर के बीच में, और तब तक सर का पीएनसी खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर रेगुलर ले लेंगे। इतना क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। अभी बना क्या रहे हो तुम बाय द वे? सर अभी मतलब शीट के अलावा थोड़ा PYQ बना रहा हूँ। मैथ्स में और क्या बना रहे हो? मैथ्स में भी PYQ बना रहा हूँ, वो कैलकुलस बना रहा था। कैलकुलस का अरिहंत का बुक खरीद ले या GRB का बुक सीधा बना? सीधा GRB का बुक ना, कोई टाइम पास की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी, तुम हुए प्रतीक हुए, तुम लोग सीधा GRB का बुक बनाओ। हाँ सर, ठीक है, कोई टाइम पास नहीं करने का सकता है, बुक उठाओ सेंटर पे बैठो बनाओ। भाई तुमको किंग क्वीन नहीं आता है क्या? आता है ना। हाँ सर। उसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा बुक उठाओ GRB बनाओ और ML करना जो भी होती है बुक बनाओ, सीधे बुक बनाना है, कोई टाइम पास नहीं करेंगे हम, वापस थ्योरी नहीं पढ़ने बैठने वाले हैं, कहोगे तो पढ़ा दूंगा बट आई डोंट थिंक थ्योरी की आवश्यकता है, बुक निकालो और बनाओ, ये बात चमकती है। और हाँ सर, और वाला लिंक है ना, क्वेश्चन बैंक वाला लिंक, हाँ सर, उसमें पूरा कैलकुलस का क्वेश्चन बैंक बना दो, उसमें इनवर्स फिनवर्स के क्वेश्चन से पूरा बनाओ, प्रैक्टिस ही करनी है ना, प्रैक्टिस करो ना, कोई एक कोई सोर्स अपना लो, अगर GRB लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट जा रही है, जो क्वेश्चन बैंक है ना वो बुरा नहीं है, पता है, क्वेश्चन बैंक भी कैलकुलस का बनाना शुरू कर दो, जो मैंने भेजा था, याद आ रहा है कौन सा? हाँ सर। हाँ, वो बना ले या GRB बना ले, ठीक है, लेकिन कुछ तो बनाना शुरू करो ना, डोंट वेट। अरे मतलब बनता है क्या ओडी में फिर से पूरा रिवाइज कर सेम चीज पढ़ने का? नहीं ना, नहीं। तो GRB उठाओ सीधा AOD स्टार्ट करो, AOD और क्या स्टार्ट करोगे? DI। हाँ सर, सीधा ग्रुप बनाओ, पढ़ाई शुरू करो बेटा, ठीक है। हाँ। और ये दो चैप्टर SOT कॉम्प्लेक्स खत्म करते हैं 15 दिन में, स्लोली स्लोली करेंगे, ठीक है। हाँ सर, ज्यादा PNC पे टाइम मत खाको, सर को ही बोलो सर PNC ज्यादा मत कराओ, अंतर नहीं पड़ता है, हम वैसे भी एग्जाम में PNC छोड़ने वाले हैं, भाड़ में गया PNC, ठीक है। और एक और क्या है? हाँ बोलो सर, आप 11th के 2-3 बेसिक लेक्चर भेजने वाले थे सर, वो लॉन्ग डिवीजन वाले और लॉग, और उसका लिंक भेज दो ना सर। 11th का कौन सा टॉपिक? स्टार्टिंग FOM में आते हैं। अरे एक काम करो ना, तुम बोसॉन इंपल्स पे जाओ, चैनल पे बोसॉन इंपल्स पे, ठीक है, ओके, उसमें तुम ना AP1 के लेक्चर में चले जाना, AP1 के लेक्चर में, शुरू के 10 लेक्चर में FOM तुम सुन लोगे क्या दिया हुआ है, फटाफट 10th के स्पीड पे लगा के चले जाना, तुम्हें दिख जाएगा क्या है, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। ओके सर, चलो बाय।